सो फ्रेंड्स, हमारे घर में हमसे जो बड़े लोग हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि अगर हमें किसी को मनाना है या फिर हमें किसी को जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके दिल को मनाना पड़ेगा। अब ये लाइन मैंने इसलिए बोली है बिकॉज़ अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है या फिर अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग के दिल को जीतना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग का भी दिल होता है क्या? डेफिनेटली होता है, ट्रेडिंग का दिल होता है और ट्रेडिंग के दिल को बोलते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। और फ्रेंड्स, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, RSI, मूविंग एवरेज, VWAP, इचीमकू कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बट जो नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, जिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देते ही नहीं है और इसीलिए मैक्सिमम लोगों के लॉस होते हैं। और जहाँ तक रिसर्च के हिसाब से बताऊँ तो फ्रेंड्स, 80% टाइम जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 80% टाइम एक्यूरेट इसीलिए होते हैं बिकॉज वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स, RSI, VWAP, मूविंग एवरेज, इसके अलावा स्टॉकेस्टिक RSI, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इंडिकेटर के कभी भी अगेंस्ट नहीं रहता हूँ, बट अगर आप मेन चीज़ को, द मेन थिंग इज कैंडल स्टिक्स पैटर्न, प्राइस एक्शन, अगर आप इस पर रिलायबिलिटी नहीं दिखाएंगे और डायरेक्टली अगर इंडिकेटर पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से मे भी आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो नहीं है, यू कैन से दिस इज़ अ कोर्स। और मैंने बहुत जगह देखा है कि इसके लिए बहुत लोग आपसे 20,000, 25,000, 1,00,000 रुपए चार्ज करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको सभी कैंडल स्टिक्स पैटर्न बताने वाला हूँ, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। तो पहला फ्रेंड्स, देखिए, मैंने लगभग 50+ कोर्सेज किए हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब और मैंने 100+ बुक्स पढ़ी हैं। अब उनमें बहुत सारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको वो एक्यूरेट कैंडल स्टिक्स पैटर्न बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। सेकेंड क्या बोलते हैं पॉइंट कराएगा जिसकी वजह से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है कि मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न बता दिया, पीछे जाके एग्जांपल दिखा दिया बैकटेस्ट करके, जी नहीं। हम लोग बार रीप्ले का क्या बोलते हैं फीचर यूज़ करने वाले हैं। ये फीचर आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम मेंबर्स को मिलता है, आपको उस पर लाइव क्या बोलते हैं मार्केट का फीलिंग आने वाला है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि मैं क्या बोलते हैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा कुछ नंबर ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे, जो मेरे फेवरेट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, अब मैं देखता हूँ बहुत लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न रटते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। साइकोलॉजी समझ गए तो आप बाइंग सेलिंग आसानी से कर लेंगे विदाउट लर्निंग नेम ऑफ द कैंडल। सो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में ऐसा साइकोलॉजी के तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है। एंड फिफ्थ एंड बोनस पॉइंट, मे बी दिस इज़ द लास्ट कैंडल स्टिक्स वीडियो ऑन माई चैनल बिकॉज आज की वीडियो में मैं सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, सभी चीज़ें जो मैंने कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो अलग है, कुछ अलग तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड में जाकर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बार रिप्ले के थ्रू हर कैंडल स्टिक्स पैटर्न का लाइव चार्ट करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी की तरीके से मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं वीडियोज़ डाल रखी हैं, प्राइस एक्शन कोर्स अभी मैंने डाल दिया, क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न कोर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का मैंने दो वीडियो डाल रखा है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे वीडियो के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं जो मुझे बताने हैं। रूल्स का मतलब क्या हुआ? रूल का मतलब ये है कि वीडियो को मैं ना एक हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ। अब ये सोच रहा था कि ऐसा किस तरीके से वीडियो को बनाया जाए जिससे कि आपको पूरी सही तरीके से क्लैरिटी हो सके। सो देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज़ क्या है कि मैंने जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है 1 कैंडल स्टिक्स पैटर्न, सेकंड है हम लोगों का 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न और तीसरा जो लास्ट फेज है वो हम लोगों का 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बिकॉज अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं। सेकेंड चीज़, ये जो आपका राइट साइड है ना, सॉरी, मेरा जो राइट साइड है, यहाँ पे मैं आपको बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न बताऊंगा, मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और लेफ्ट साइड में मैं आपको बताने वाला हूँ बियरिश मोमेंटम कैंडल्स, बुलिश एंड बियरिश, आपके साइड से हो जाएगा लेफ्ट और राइट, मेरे साइड से राइट एंड लेफ्ट। सेकेंड चीज़ ये है कि पहले मैं आपको 1 सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे कैसे कैंडल बनती है, साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, कैसे उसको ट्रेड करना है, कलर कौन सा होगा। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ पे मैं आपको बार रिप्ले जिससे कि आपको सही से फीलिंग आ सके वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे आएंगे, फिर हम लोग एग्जांपल समझेंगे चार्ट पे जाके, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, बहुत लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं। फिर हम लोग ऐसे आएंगे, तो स्टेप वाइज हम लोग करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, मैंने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया है जिससे कि थोड़ी रियल फीलिंग आए कि हाँ यार सही से समझ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते क्या हैं। तो देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी होते हैं
हॉलो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बहुत लोग लाइन लगा के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, 99% लोग जो लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। और हम लोग जापानीज ही कवर करने वाले हैं बिकॉज मैं खुद जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करता हूँ। सो देखिए, पहले मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं। पहला क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ग्रीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ग्रीन कैंडल्स होती हैं, और सेकंड होती है हम लोग की रेड। ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर गया है यू कैन से बियर्स। और रेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट इससे नीचे जाने वाला है ना। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टाइम फ्रेम भी होता है, 1 मिनट, 5 मिनट, डेली हम लोग कंसिडर करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, इसको मैं डेली बोल देता हूँ, और ये आपकी है ग्रीन कलर की कैंडल, ब्लू है, ग्रीन स्केच नहीं मिल रहा था तो ब्लू से समझ रहे हैं, रेड वाला आप रेड के साथ समझने वाले हैं। अब देखिए इसमें एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई, इसको मैं सर्कल कर दूंगा, और एक होता है लो। अब समझना पड़ेगा, कोई भी जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है उसमें क्या होता है, ओपन होता है नीचे और क्लोज होता है ऊपर। क्या होता है, ओपन होता है नीचे, क्लोज होता है ऊपर, बिकॉज ऑफ बुल्स। अब बुल्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा बुल्स को, तो बुल्स कैसे मारता है, बुल्स नीचे से ऊपर मारता है ना, नीचे से ऊपर मारता है। बियर कैसे मारता है, बियर ऊपर से नीचे मारता है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं बुल्स एंड बियर्स, ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है। अब जापानीज, अब देखिए जापानीज लोगों ने अपना भी दिमाग इसमें लगा रखा है, तो ठीक है। देखिए तो ये हो गया हम लोगों का ओपन, हमेशा ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होगा। मान लीजिए हम लोग इसको बोलते हैं 1000 पे ओपन हुआ, ठीक है, 1000 पे ओपन हुआ, और इसने क्या बोलते हैं क्लोज किया 1200 पे, है ना। इसने हाई बनाया 1300 का, और इसने लो बनाया था मान लीजिए 900 का। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब मान के चलिए कि उसमें बुल्स एक्टिव हैं, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है तो, एज कम्पेयर टू सेलर्स। अब क्या है कि देखिए 1000 पे ओपन हुआ है ना, बट क्या किया बायर्स ने, कि बायर्स ने इसकी क्लोजिंग कहाँ पे करा दी, 1200 पे करा दी। मतलब क्या है, बायर्स एज कम्पेयर टू सेलर्स ज़्यादा हावी हैं। हाई कितना बनाया, हाई 1300 बनाया, मतलब बायर्स ने और ऊपर इसको खींचने की कोशिश की, बट सेलर्स ने कहा नहीं थोड़ा सा हम भी हैं भैया, उन्होंने नीचे क्लोजिंग कराई। और सेलर्स ने भी यहाँ क्या किया कि 900 तक खींचने की कोशिश की, नीचे 900 तक ले गए, बट बायर्स ने कहा कि हम लोग ज़्यादा हावी हैं, तो उन्होंने कहाँ पे क्लोजिंग कराई, क्लोजिंग लास्ट में कराई है इस डेली टाइम फ्रेम के कंक्लूजन में 1200 पे। अब अगर मैं आपको रेड कैंडल बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप रेड देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ओपन हमेशा ऊपर होता है, क्लोज हमेशा नीचे होता है, लो और हाई सेम होते हैं जैसा कि हम लोग का ग्रीन कैंडल में होता है। सो क्या समझना पड़ेगा, ग्रीन कलर में आपका ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, हाई एंड लो सेम रहने वाले हैं। रेड कलर में क्या होगा, ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, और हाई एंड लो सेम रहने वाले हैं। बस क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस होता है, एकदम उल्टा हो जाता है ना। अब ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि एज कम्पेयर टू बायर्स सेलर्स ज़्यादा हावी है। आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप ओपन देखेंगे तो ओपन मान लीजिए है 1000, क्लोजिंग हो गई इसकी 900 पे, इसने लो बनाया था मान लीजिए 850 का, और इसने हाई बनाया था फॉर एग्जांपल 1050 के करीब। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ओपन शेयर का प्राइस होता है 1000 पे, बायर्स ने खींचा 1050 तक, बट सेलर्स ने क्या कहा कि हम भी तो हैं, हम खींचेंगे नीचे, है ना, नीचे खींच दिया। मतलब लोगों को लगता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, और नीचे क्लोजिंग करा दी 900 पे, इससे थोड़ा सा और नीचे गया, बट बायर्स उतने भी क्या बोलते हैं कम नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग कराई। ओवरऑल हमको ये सीखने को मिलता है कि एज कम्पेयर टू बायर्स यहाँ पे सेलर्स हावी हैं। अब ये बेस है ना, इससे आपका बेस क्लियर होता है। अब इसी बेस पे हम लोग सीक्रेट कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, बुलिश मोमेंटम कैंडल्स एंड बियर्स मोमेंटम कैंडल्स, कैसे उसको ट्रेड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, सभी चीज़ें बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोगों को हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, एंगलफिंग सभी चीज़ें आती हैं, बट उसके बाद भी लॉस होता है। पता है क्यों, क्योंकि उनको एंट्री लेना नहीं आता है, एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब ऐसा नहीं कि हैमर बन गई तो खुद गए ट्रेड करने के लिए, एकदम नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना पड़ता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, मैं आपको एक एक कैंडल करके बताने वाला हूँ। सो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि हम लोग राइट साइड देखने वाले हैं बुलिश मोमेंटम कैंडल्स, मेरे राइट साइड, और लेफ्ट साइड हम लोग देखने वाले हैं बियरिश मोमेंटम कैंडल्स। आपके लिए क्या होगा, आपके लिए लेफ्ट साइड हो जाएगा बुलिश, और राइट साइड हो जाएगा आपके लिए बियरिश।
तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न ऐड कर दिया है और वो है हम लोग का हैमर और दूसरा है हम लोगों का हैंगिंग मैन। तो हैमर क्या होता है? तो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। अगर आपने थॉर मूवी देखी होगी तो थॉर का भी हथौड़ा होता है। अब हथौड़े का मतलब क्या होता है? हथौड़े का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग। अगर आपने देखा होगा तो थॉर के हैमर को कोई भी नहीं उठा पाता है एक्सेप्ट थॉर, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको पता चलता है। अब ये कैंडल जो है ना, ये मेरी फेवरेट कैंडल सिक्स पैटर्न है, बिकॉज अगर हैमर बनती है 10 में से 8 ट्रेड आपके साइड जाएंगे और जो ट्रेड आपके साइड जाएंगे वो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया देते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाने वाला हूँ। और इसका एकदम उल्टा है हैंगिंग मैन। दोनों सेम है बट इनका जो काम है वो अलग है। मैं आपको समझा देता हूँ कि हैंगिंग मैन एंड हैमर में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज़ कहाँ पे है, किसको अप ट्रेंड के बाद देखना है, किसको डाउन ट्रेंड के बाद देखना है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे हैमर का इमेज चिपका रखा है। अब हैमर का जो कलर होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। रेड मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड और ग्रीन कुछ भी होगा तो चलेगा, है ना। रेड और ग्रीन कुछ भी होगा चलेगा, हैमर का क्या बोलते हैं कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दूसरा चीज, इसको हम लोग देखते हैं डाउन ट्रेंड के बाद। कहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको? हम लोग देखते हैं डाउन ट्रेंड के बाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मोमेंटम कैंडल्स। क्या बोलते हैं? बुलिश मोमेंटम तो नहीं बोलेंगे, बुलिश रिवर्सल कैंडल बोलेंगे। क्या? बुलिश रिवर्सल कैंडल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट है वो आपका डाउन साइड चला रहा था, अगर आपकी यहाँ पे हैमर बनी तो चांसेस क्या होती है मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो उसका जो रेशियो होता है, अगर मैं आपको रेशियो दिखाऊं बॉडी एंड विक में, तो जो बॉडी होती है वो 1 मान लीजिए और जो विक होती है वो मान लीजिए 3। अगर मैं इसको अलग टर्म में समझाऊं तो जो बॉडी का रेशियो होगा वो होगा 30 का और जो विक का रेशियो होगा वो होगा 70 का, अगर 100 पॉइंट्स में हम लोग कैप्चर करेंगे तो। मतलब कहने का क्या है कि जो विक होती है वो एज़ कम्पेयर टू बॉडी बड़ी होती है, 70% विक होगी, 30% केवल बॉडी होने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ट्रेडिंग में, हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि 19-20 का फ़र्क आपको लेना पड़ेगा। 65-35 भी हो सकता है और 85 और क्या बोलते हैं 15 है, या फिर 75-25 है तो और अच्छा है। अगर विक बड़ी होगी, बॉडी जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी एक्सट्रीम रिजेक्शन कैंडल होती है और उतना बढ़िया रिलायबिलिटी आपको दिखाती है। अब देखिए, आप इसका साइकोलॉजी समझिए। साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड आता जा रहा था, डाउन ट्रेंड आता जा रहा था, यहाँ पे हैमर बनी है। अब इस हैमर का मतलब क्या है? इस हैमर का मतलब ये है कि सेलर्स एक्टिव थे, है ना, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे तभी तो मार्केट नीचे गिर रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे हैमर बनी। अब हैमर का मतलब क्या है कि इस लो से एक्सट्रीम रिजेक्शन मिला है और मार्केट एक्सट्रीम लो से अपसाइड में क्लोजिंग कराया गया है। अब अपसाइड में क्लोजिंग कराया गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बायर्स एस कम्पेयर टू सेलर्स यहाँ पे हावी हो चुके हैं, बिकॉज बायर्स ने क्या किया है, एक्सट्रीम लो से खींच के ऊपर क्लोजिंग कराई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुलिश मोमेंटम कैंडल। क्या बोलते हैं? बुलिश मोमेंटम कैंडल। अब इसके अलावा कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है, किन अदर कैंडल्स को देखना पड़ेगा कन्फर्म कराने के लिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं हैंगिंग मैन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सब चीज़ें जापानीज लोगों की देन है, तो जापानीज में अगर आप समझेंगे तो इसको आप कंसिडर कीजिए। हैंगिंग मैन का मतलब क्या हो गया? क्राइस्ट जी को जैसे हैंग किया गया था ऐसे करके ना, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ हैंगिंग मैन। ये कहाँ पे बनती है? इसका भी कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन। ये रेड और ग्रीन कुछ भी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपका कहाँ बनता है? ये आपका बनता है अप ट्रेंड के बाद, है ना, ये आपका बनता है अप ट्रेंड के बाद। कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको स्क्रीन पे जाके समझाने वाला हूँ। इसका क्या है, इसका भी जो बॉडी एंड विक का जो रेशियो है वो क्या होने वाला है, 30:72। मैंने क्या बोला, बॉडी एंड विक, मतलब बॉडी कम होगी और विक ज़्यादा होगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30, और इसको हम लोग बोलेंगे 70। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप मान के चल सकते हैं एक बियरिस रिवर्सल कैंडल। इसका भी एग्जांपल मैं आपको क्या बोलते हैं अभी स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको फेस कैसे बताया है, हम लोग पहले दो कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक साथ को, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, फिर दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, फिर एग्जांपल दिखाऊंगा। ऐसे स्टेप वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहले मैं हैमर
एंड क्या बोलते हैं हैंगिंग मैन का एग्जांपल बताऊंगा, ट्रेड कैसे लेना है, किन स्ट्रेटजीज पे मैं ट्रेड करता हूँ इन दोनों कैंडल सिक्स पैटर्न को यूज़ करके, स्टॉप लॉस, टारगेट एंट्री, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग बार रिप्ले का यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपको रियल फीलिंग हो, ऐसा कि नहीं बस हम लोग बैक टेस्ट करके चले जाएं और आपको वो रियल फीलिंग फील ना हो। तो देखिए मैं अभी प्ले करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे ट्रेड बना, कहाँ पर ट्रेड बना, कहाँ पर स्टॉप लॉस होता, कहाँ पर टारगेट होता। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको प्ले करने जा रहा हूँ इस बटन को, अब इसके साथ ही चार्ट प्ले होने लगेगा, जैसे ही हैमर बनेगी मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। ध्यान से चार्ट को देखते रहिएगा कैसे आपका ट्रेंड और चार्ट बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, लगातार डाउन साइड की कैंडल्स बनती जा रही है ना, अब जैसे ही हैमर बनेगी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हैमर बनती है और कैसे उस पर अपने को ट्रेड लेना है। थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मतलब फास्ट स्पीड कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लगातार डाउन साइड जाता जा रहा है ना। अब डाउन साइड के बाद ही मैंने बोला था कि आपसे हमको हैमर देखनी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद ही मोमेंटम अपसाइड का बनता है अगर हैमर बनती है तो। अभी भी हैमर तो नहीं बनी है, ये देखो और नीचे गया, और नीचे गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस वन इज हैमर कैंडल है ना। कलर का क्या बोला गया था, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा आपने ट्रेड कहाँ लेना है ना। तो ध्यान से समझिए, डाउन ट्रेंड आया, ठीक, डाउन ट्रेंड गिरा मार्केट, पीछे मोर ऑफ एक सपोर्ट भी है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, यहाँ पे हैमर बनी, अगली कैंडल को ध्यान देना है, अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, इसका हाई आपने मार्क करना है और हैमर का लो मार्क करना है। हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो हैमर की जो अगली कैंडल है जो उसके ऊपर क्लोज की है उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग वहाँ पर बाइंग की पोजिशन बनाने वाले हैं। अब चलिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाइंग की और ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से क्लियर हो सकेगा। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया, केवल 0.28% का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट मैं यहाँ रखना चाहूँगा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक मोर ऑफ अ छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अब मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देखिएगा मार्केट कितनी तेज यहाँ से भागेगा, हैमर बनी, मैंने प्ले कर दिया है, अब देखिए कैसे टारगेट हम लोग अचीव होगा, तुरंत यहाँ पे टारगेट चलाएगा और ये गई हम लोग की दूसरी कैंडल, देखिए इसने टारगेट अचीव कर दिया, मार्केट और ऊपर गया, बट ठीक है और ऊपर गया, बट आपका यहाँ पे टारगेट था, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का हैमर का एग्जांपल। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हैमर बनी, अगली कैंडल के हाई पे बाइंग करना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ और कितनी बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिली है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और समझाना चाहूँगा, बिकॉज दो एग्जांपल के साथ आपको सही से क्लियर होने वाला है। वीडियो लंबी है, वीडियो वैसा है नहीं, मैंने जैसा कि बोला है ये कोर्स है, ध्यान से देखेंगे तभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, परफेक्ट एग्जांपल रहेगा ये, भारत फोर्ज का रिसेंट का एग्जांपल है, इसको मैंने डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड भी किया था। अब देखिए हम लोग का टाइम फ्रेम बनता जा रहा है, मतलब डेली का टाइम फ्रेम है, मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, जब अच्छा खासा गिरेगा तभी हम लोग हैमर स्पॉट भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी हैमर स्पॉट कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं भी स्पॉट करना चालू करते हैं, जी नहीं, एक बढ़िया डाउन साइड बने तब हम लोग हैमर देखने वाले हैं। अब ये देखो मार्केट लगातार नीचे आता जा रहा है ना, मैंने चार्ट को प्ले कर दिया है। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, इसको आप हैमर बोलेंगे, अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर गई, अब अपने को क्या चाहिए, इसके हाई के ऊपर बाइंग करनी है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट पहला मेरा होने वाला है यहाँ पे, सेकेंड टारगेट मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपका टारगेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का ये वाला है ना, और सेकेंड टारगेट हम लोगों का रहने वाला है ये वाला। कोई बात नहीं, टारगेट पहले तो एंट्री सही हो ना, एंट्री आपने लेनी है इस कैंडल के हाई के ऊपर। अब एंट्री आपकी हो चुकी है, आपका स्टॉप लॉस हो चुका है, रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से क्लियर होगा। ये आपने हाई पे एंट्री ली, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था और ये हम लोगों का टारगेट था। लेट मी प्ले द वीडियो। अब ये देखिए ऊपर गया, नीचे आया, आपने एंट्री ली है ना, एंट्री लेने का चांस मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, है ना, छूट जाएगा छोड़ देंगे। देखो मार्केट ऊपर चला गया, अब देखो कितना ऊपर गया है ना। अब हमारे दोनों टारगेट आसानी से अचीव
हो गए, मार्केट और ऊपर जाता जा रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि इतना डाउनसाइड गिरा, यहाँ पे हैमर बनी, इसकी हाई पे बाइंग करना है, ये स्टॉप लॉस हुआ आपका, पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, मे बी आप थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, वो अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आपने क्या करना है, समझना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना अगर इतना क्लियर है तो कि सर मुझे हैमर क्लियर हो गया, और अगर आपको वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाला मेथड चाहिए जिससे कि आप महीने में 4-5 दिन इतने बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करेंगे दोस्तों कि आप बिलीव नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने हैमर के दो एग्जांपल्स देख लिए, अब हम लोग हैंगिंग मैन के दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हैमर बनेगी डाउन ट्रेंड के बाद और हैंगिंग मैन बनेगी आपकी अप ट्रेंड के बाद। मैं प्ले कर देता हूँ और हम लोग हैंगिंग मैन को स्पॉट करने वाले हैं। कैसे हम लोग स्पॉट करते हैं, नॉर्मल ये देखिए मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, है ना। बनने देंगे हम लोग, वेट करेंगे, है ना, पेशेंस इज द की इन स्टॉक मार्केट। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन, है ना। अब आपको वेट करना पड़ेगा, वेट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज करे, किसके नीचे, उसके लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए, उसके लो के नीचे क्लोज की। देखिए अब क्या करेंगे आप, इसके लो पे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसके लो पे हम लोग सेल करेंगे, ये हम लोग का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आप अकॉर्डिंगली पहला स्विंग लो रख सकते हैं, या फिर कम से कम आपका 1:1.5 या फिर 1:1 कम से कम तो होना ही चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने प्ले किया, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पहली कैंडल में ही प्रॉफिट हो गया है ना। अगर आपने टारगेट यहाँ भी रखा होगा तो भी आपका टारगेट बहुत आसानी से अचीव, अगर आप देखेंगे तो, हो गया है। सो देखिए ये हो गया हम लोग का पहला हैंगिंग मैन का एग्जांपल, और नीचे जाता जा रहा है मार्केट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सही जगह स्पॉट करोगे आफ्टर अप ट्रेंड, तो आपको देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अपसाइड गया मार्केट, यहाँ पे आपकी हैंगिंग मैन बनी, देखिए। अब उसके बाद क्या हुआ, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप देखेंगे तो पीछे डबल टॉप का भी फॉर्मेशन है, नेक्स्ट कैंडल किया हुआ, उसके नीचे क्लोज भी करी, उसके बाद इसके लो पे आप सेल करते, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते। देखिए कितने बढ़िया रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए बात आपको क्या समझनी पड़ेगी, कि मेरा एम क्या है, कि मैं आपको एक्यूरेट कैंडल्स बताऊं। सो एज कम्पेयर टू हैंगिंग मैन, जो हैमर होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। हैमर डाउन ट्रेंड में तो बहुत अच्छा है, बट हैंगिंग मैन की जगह अगर मैं कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करूँ तो डेफिनेटली है, मैं आपको आने वाले इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो अप ट्रेंड के बाद बनते हैं, तो 90% एक्यूरेसी निकल के आती है। सो डेफिनेटली वीडियो में बने रहिएगा। इस सेक्शन में हैमर एंड हैंगिंग मैन खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे, फिर हम लोग आके यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के कोर्स का दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला पार्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं और कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है, मैंने आपको वो समझा दिया किन टाइप्स की कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, ग्रीन और रेड। सेकेंड फेज में हम लोगों ने कवर किया है हैमर एंड हैंगिंग मैन। अब हम लोग इस फेज में क्या कवर करने वाले हैं, ये भी मैं आपको पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, और इनमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट है। मे बी आप पहले से ही गेस कर लें, क्योंकि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उनको शायद पता हो। सो देखिए मैंने बता रखा है, राइट साइड में हम लोग देखेंगे बुलिश मोमेंटम कैंडल्स एंड लेफ्ट साइड में हम लोग देखने वाले हैं बेरिश मोमेंटम कैंडल्स। ये मेरे साइड की बात कर रहा हूँ, आपके साइड का लेफ्ट एंड राइट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए पहला हम लोग का है इन्वर्टेड हैमर एंड सेकंड हम लोग का है शूटिंग स्टार। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ, आप आराम से समझ लो। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है हैमर जो उल्टी है, है ना, हैमर ऐसे होती है, उस हैमर को हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक। और उसी को, उसी इन्वर्टेड हैमर को अगर हम लोग क्या बोलते हैं अप ट्रेंड के बाद ढूंढते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार आप ऐसे भी कह सकते हो, जब तारा टूटता है तो वो ऐसे नीचे आता है ना, तो उसको हम लोग शूटिंग स्टार के तरीके से भी याद कर सकते हैं। वैसे रटने का जरूरत नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को रटने का जरूरत नहीं है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है, तो चलिए हम लोग साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग का इन्वर्टेड हैमर है, इसका कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेड और ग्रीन कुछ भी चलेगा, है ना।
पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये बनेगा आपका डाउन ट्रेंड के बाद, बिकॉज ये क्या है, ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है, मतलब ये अगर कैंडल बनेगी अगर डाउन ट्रेंड के बाद तो हम लोग स्पॉट करेंगे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। बस ऐसा नहीं कि यही बनी तो चालू हो गए, एकदम नहीं, इसके अलावा हमें कुछ और कैंडल स्टिक पैटर्न इसके अलावा बनते हुए दिखेंगे, तो ही हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और कहाँ पर आपका टारगेट होने वाला है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको डाउन ट्रेंड के बाद में स्पॉट करना है, आफ्टर डाउन ट्रेंड, ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बताऊं तो ध्यान से देखिएगा, ये कैंडल है, ये मार्केट डाउन आता जा रहा था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे की मैं साइकोलॉजी आपको बता देता हूं। देखिए मार्केट हम लोगों का कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, ऐसे मैं इसको डाउन ट्रेंड बना देता हूं जिससे कि आपको सही से क्लैरिटी होगी। लगातार डाउन ट्रेंड चला आ रहा था। अब क्या होता है ना, डाउन ट्रेंड में क्या होती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं। क्या बनती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप इसी कैंडल को देखोगे तो देखिए इस कैंडल को क्या हुआ, जहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनने लगे, समझ लीजिए वहाँ पे रिजेक्शन होने वाला है, मतलब रिजेक्शन होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको देखिए अगर तो एक बड़ी विक बनी है और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो नीचे ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। और नॉर्मल कैंडल्स में क्या हो रहा था, नॉर्मल कैंडल्स में हो रहा था कि पूरा ओपन यहाँ पे हो रहा था और क्लोजिंग यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हाई तो बनाया बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है ना, यहाँ पे विक बनी है, ऊपर से ओपन नीचे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। इससे पता चलता है कि जो डिफरेंस है ना, जो बायर्स एंड सेलर्स में जो बाइंग सेलिंग का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब क्या है कि कन्फ्यूजन हो गई है यहाँ पे अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। अगर रेड कैंडल भी होती है ना, अगर ये रेड कैंडल भी होती है तो भी आप इसको कहीं ना कहीं ये मान के चलो आफ्टर डाउन ट्रेंड की मार्केट में भी यहाँ से अपसाइड जाएगा। बट देखिए गलती लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलती लोग क्या करते हैं कि तुरंत यहीं पे बाइंग कर लेते हैं इसके हाई पे, या फिर इधर ही कहीं बाइंग कर लेते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है ट्रेड करने का, स्पेशली इन्वर्टेड हैमर को। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उस पैटर्न के साथ, मतलब इस पैटर्न के साथ अगर आप उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को ऐड करेंगे और जो एंट्री पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने वाली है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका एकदम सिमिलर है शूटिंग स्टार, इसका भी कलर मैं अगर आपको बताऊं तो उसका कलर ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद हम लोग इसको देखने वाले हैं। और ये देखिए, मैंने आपसे एक बोला था कि इन दोनों में से कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो है शूटिंग स्टार, है ना। डाउन ट्रेंड के बाद कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है अभी तक, तो मैंने क्या बोला था, हैमर जो होती है ना, जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनती है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टेड हैमर। तो देखिए आपको ये भी समझते रहना है क्या है कि कौन सी कैंडलस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कैंडलस्टिक थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, है ना। और देखिए शूटिंग स्टार में मैं आपको बता देता हूँ, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में ज़्यादा जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी निकाल के आता है वो है आपका शूटिंग स्टार। इसकी एक्यूरेसी अगर सही तरीके से आप स्पॉट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो लगभग 80% के पास आती है ना। इसके अलावा थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ होता है जो कि मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। अब देखिए ग्रीन और रेड कुछ भी चलेगा, अप ट्रेंड के बाद बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हुआ, मार्केट लगातार अप ट्रेंड बना रहा था, है ना, ऐसे अप ट्रेंड बना रहा था। अब देखिए अप ट्रेंड बना रहा था, मार्केट लगातार अपसाइड जाता गया, यहाँ पे बनी है आपकी शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का मतलब क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे साइकोलॉजी के साथ तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या हुआ, शेयर हुआ यहाँ पे क्या बोलते हैं ओपन, है ना। अब यहाँ पे क्या थे, एज़ कम्पेयर टू सेलर्स बायर्स हावी थे, तभी तो ऊपर जा रहा था। अब बायर्स ने इसको खींच के यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ तक हाई बनवाया। बट सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने बोला भाई अब हम भी आ चुके हैं, अब हमें भी क्या बोलते हैं थोड़ा सा चांस दो कि मार्केट को नीचे खींच सके। तो क्या हुआ, सेलर्स ने इस एक्सट्रीम हाई से क्लोजिंग कराई इस एक्सट्रीम लो के पास, मतलब एकदम एग्जैक्ट ओपन के पास। लो थोड़ा सा है जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल कैंडल्स में कि रिजेक्शन कहाँ से मिल रहा है। आप समझिए ना, इतना ज़्यादा चढ़ा है, यहाँ पे भी ऊपर चढ़ने की ट्राई किया पूरा इस वीक में, बट सेलर्स ने खींच के नीचे क्लोजिंग कराई है। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओपन आपका यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, लो आपका ये है और क्या बोलते हैं हाई आपका ये है। बायर्स लगातार एक्टिव थे, हावी थे, बायर्स ने खींच के इसको ऊपर तक ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने क्या बोला भाई हम भी हैं, खींच के एकदम नीचे क्लोजिंग करा दी। और अगर रेड बनती है ना तो ग्रीन से थोड़ा सा और स्ट्रेंथ पॉइंट दिखाती है, मतलब मार्केट चांसेस है कि और नीचे जाएगा, बट वैसा कुछ है नहीं। अगर आपकी ग्रीन बनती है, रेड बनती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज मैं दोनों को एक ही मानता हूँ और दोनों पे मैं बहुत अच्छे से ट्रेड लेता हूँ। अगर इस पे मेरा ट्रेड बनेगा शूटिंग स्टार पे, और अगर हैमर जो मैंने आपको इसके पहले बताई, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड
हुई, बिना कुछ सोचे समझे आराम से ट्रेड मारता हूँ, है ना, रिस्क डिफाइन करके। ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे का मतलब ऐसे ही ट्रेड ले लिया, जी नहीं, रिस्क डिफाइन करके विथ प्रॉपर स्ट्रैटजी बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है। अब हम लोगों ने ये कवर कर लिया शूटिंग स्टार एंड क्या बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब मैं आपको क्या करता हूँ, रूल के हिसाब से मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँगा, बार रिप्ले के थ्रू हम लोग फीलिंग लेने वाले हैं कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, एक कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे, ऐसे हम लोग स्टेप वाइज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर का, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पे लगाना है, फिर मैं आपको शूटिंग स्टार के एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बार रिप्ले को प्ले कर दिया है, ये देखिए मार्केट डाउन गया, ठीक है, अभी भी डाउन जा रहा है, ऐसे भी गैप डाउन है तो लगातार फास्ट मूवमेंट डाउन साइड की हो रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि एक बढ़िया मूवमेंट है। अब अगर आप देखोगे तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कैंडल्स के साथ थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना सीख जाओगे तो पैसा बनाना इतना आसान हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखिए 1-2 लगभग यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 और एग्जैक्ट यहीं पे आके टच कर रहा, मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया ऑफ लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी। अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर तो बन गई, अब आप ट्रेड कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखनी है। क्या करना है आपने, इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखनी है। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बनी, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया। अब आप ट्रेड कैसे करेंगे, उसी के हाई पे आप बाइंग करने वाले हैं, यहाँ पे हाई पे आपने बाइंग किया जिस कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग की है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड, स्टॉप लॉस आप इन्वर्टेड हैमर का लो लगाएंगे और टारगेट आप कम से कम 1:1.5, 1:3, 1:2 रख सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर लो। सो पहला टारगेट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे रखूँ, है ना, वैसे मेरा टारगेट 1:2.5 आ रहा है, तो 1:2 जाएगा तो कुछ प्रॉफिट मैं मैक्सिमम बुक करने वाला हूँ। चलिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अभी देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, मतलब फास्ट स्पीड कर दी है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए ऊपर जाता जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आएगा ये समझना पड़ेगा आपको, है ना, लेकिन देखिए धीरे धीरे वो ऊपर ही जा रहा है। अब अगर आप 1:2 का रिस्टू रिवॉर्ड रखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा ना 1:2 का रिस्टू रिवॉर्ड, ये तो देखिए दोस्तों हम लोग का 1:2 का रिस्टू रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत आसानी से अचीव हो गया। थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूँ, ये देखिए 1:2 का रिस्टू रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हो गया। मार्केट इससे और ऊपर जाएगा आप क्या करो, एक बहुत अच्छा आइडिया क्या होता है, अब आपने ट्रेड कहाँ लिया, ट्रेड आपने यहाँ लिया है ना, तो स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे ट्रेल कर दो, है ना, कुछ प्रॉफिट आपने यहाँ बुक कर लिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। अब इसको जाने दो, यहाँ तक आएगा, फिर कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना, फिर ऊपर जाता जाएगा तो आप क्या बोलते हैं पार्शियल क्वांटिटी बुक करके बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने रिप्ले बटन ऑन कर दिया है, मार्केट लगातार डाउन साइड जा रहा है, हिंडाल्को का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप 5 मिनट डेली 15 मिनट में इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम टाइम, है ना। अब कूदना नहीं है ट्रेडिंग में, है ना, एक ट्रेंड को पहले क्या बोलते हैं कंफर्म हो जाने दो, पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना। मैं आने वाली वीडियोस में सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं, है ना, उससे आप और अच्छे से क्या बोलते हैं एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। मार्केट देखिए अभी भी नीचे जाता जा रहा है, तुरंत नहीं कूदेंगे क्योंकि अगर आप तुरंत कूदेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगी तो हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। एक और कंफर्मेशन क्या चाहिए, उसके ऊपर एक कैंडल और क्लोज करनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये बनी आपकी इन्वर्टेड हैमर, नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिखाई है तो कूदना नहीं है, कूद नहीं गए, नेक्स्ट वाली कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई है तो तुरंत ट्रेड में जंप नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई इस कैंडल ने, कैंडल ऑफ 2 बजे, अब उसके बाद उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा मैं वहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा स्विंग लो इसी का नीचे और टारगेट मेरा अकॉर्डिंगली 1:2 या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके मैं रखने वाला हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, मैं क्योंकि रियल फीलिंग के साथ दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज सबसे बड़ा एम रहता है कि आपको वीडियो से क्लियर हो, है ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो, चीज़ें ड्रॉ करनी पड़े, बट अगर आपको क्लैरिटी है तो वीडियो बनाने का जो एम है वो पूरा हो जाता है, है ना। सो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैंने प्ले कर दिया है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, देखिए मार्केट लगातार ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पे हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए लगभग 1:1.5, यहाँ पे आपका अचीव हो गया, मार्केट और ऊपर गया, अगर आप देखेंगे तो आपको 1:2.5 का रिस्टू रिवॉर्ड मिला। अब इतना प्रॉफिट हो जाए तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था आपको, है ना, कुछ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ट्रेल कर दो, मैक्सिमम क्वांटिटी तो आप यहाँ पे बुक कर ही चुके हो दोस्त, है ना। अब क्या होता है कि आप सेफ साइड खेलते हैं, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता नहीं सकता हूँ,
अगर आपने ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया है और अगर आपने रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया है तो उसमें आपको एकदम डर नहीं लगता है, है ना, एकदम आपको डर नहीं लगता है बिकॉज वो रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी ट्रेड हो जाता है ना, तो उसमें आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं और करते ही हैं लोग मैक्सिमम, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बता दिया है, अब मैं आपको जैसा कि मैंने बताया शूटिंग स्टार जो है वो मेरी फेवरेट है, अगर बनती है तो मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार अदर कंडीशंस के साथ विद डिफाइनिंग द रिस्क तुरंत ट्रेड लेने वाला हूँ। ये मैं इंडेक्स में भी यूज़ करता हूँ, ये मैं स्टॉक्स में भी यूज़ करता हूँ और ये मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना। पहली थी हैमर, दूसरी हो गई शूटिंग स्टार, ध्यान से सुनते रहना दोस्त। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग शूटिंग स्टार के एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बार रिप्ले का बटन प्ले कर दिया है, अब ट्रेंड लगातार मार्केट जाता जा रहा है अगर आप देखेंगे तो लगातार अपसाइड की रैली बनी हुई है। अब शूटिंग स्टार बनेगी तो उसकी कुछ कंडीशन से ट्रेड लेने की, उसको मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मार्केट अभी भी ऊपर जाता है, और ऊपर गया अच्छा है, जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ऑन द डे ऑफ 30th December 2021, मैंने क्लिक किया, अब नीचे कैंडल क्लोज करे तभी ट्रेड लेंगे। अब क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल शूटिंग स्टार बनी, इस कैंडल ने शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज कर दिया, इन कैंडल्स ने नहीं किया है, तो ज़बरदस्ती कूदने का कोई भी अर्जेंसी नहीं होना चाहिए। अब इसके लो पे मैं सेल करूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है ना, और अकॉर्डिंगली मैं टारगेट भी मैनेज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करूँगा कम से कम यहाँ पहला टारगेट तो रखूँ ही, है ना, इस रिसेंट वाले सपोर्ट के पास, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं प्ले कर देता हूँ। अब हम लोग की नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हो चुकी है, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए कभी कभी गैप डाउन होता है ना, तो आप ऊपर आए तो आप ट्रेड लो, ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ 2% तो 2% नीचे ट्रेड ले रहे हैं, एकदम नहीं, ये गलत बात है ना। अब देखिए नीचे आता गया हम लोग का टारगेट अचीव हो गया और नीचे और जाता जा रहा है ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे, क्या खेलेंगे, आपका कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर इस मोमेंटम कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दो। अब ये मोमेंटम कैंडल बनी जो पार्शियल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं सभी क्वांटिटी का क्या बोलते हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपने फिर रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल किया और अकॉर्डिंगली आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए यहाँ तक जा सकते थे। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूरा यहाँ तक जाएगा तो मैं यहाँ तक ले पाऊँगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देयर इज़ नो वन इन दिस एंटायर यूनिवर्स हु हैज़ लर्न द परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटजी, किसी को भी दुनिया में सही तरीके से एग्जिट करना नहीं आता है। प्रॉफिट जब भी मिले प्रॉफिट बुक कर लो, है ना, बहुत लोग की ये प्रॉब्लम होती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शूटिंग स्टार ना रेगुलर इंटरवल पे बनेगा, 5 मिनट 15 मिनट एंड डेली, और हर जगह इतना मतलब ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है मैं बता नहीं सकता हूँ। सो शूटिंग स्टार और हैमर, स्पेशली हैमर, इसके अलावा और भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगा, बट याद करके चलते रहना है ना, कहीं कॉपी में अगर नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, मैंने रिप्ले बटन प्ले कर दिया है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनती जा रही है, मार्केट ऊपर नीचे जाता जाएगा। शूटिंग स्टार हमें कहाँ स्पॉट करनी है, वी विल स्पॉट शूटिंग स्टार आफ्टर अप ट्रेंड, है ना, अप ट्रेंड जाता जा रहा है ठीक है। अब ये आपकी बनी शूटिंग स्टार, देन नेक्स्ट कैंडल या फिर उसकी नेक्स्ट कोई एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करे तभी ट्रेड लेने वाला हूँ। आगे आने वाली पांच कैंडल में, पांच कैंडल का मतलब क्या है, शूटिंग स्टार बनी, आगे आने वाली पांच से छह कैंडल में एक उसके नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि 15-20 कैंडल बाद क्लोजिंग हो रही है ऊपर जाने के बाद तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो मोमेंटम चला गया, सेलर्स वहाँ पे हावी नहीं है। ये क्लोज हो गई कैंडल शूटिंग स्टार के नीचे, अब मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा इसके लो पे, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, जूम कर दूं, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट होने वाला है यहाँ पे 1:1.5 का, और सेकंड टारगेट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। चलिए मैंने प्ले कर दिया है, हम लोग की एंट्री हो गई। ठीक, मार्केट झूलता रहा, मोमेंटम कैंडल बनी, वाओ प्रॉफिट, पहला टारगेट डन, और लगभग यहाँ पे हम लोगों का ठीक है पहला टारगेट डन, लगभग सेकेंड टारगेट भी आपका यहाँ पे डन हो गया 1:2 पे, और नीचे गया ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि देखो ट्रेड, जब अगर आप ट्रेडिंग करेंगे इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, जिस पे मैं आपको इम्फेसिस करके बता रहा हूँ, अगर आपने 100 का रिस्क लिया है या फिर अपने 1000 का रिस्क लिया है, तो मार्केट मैक्सिमम टाइम 1000, 1500, 2000 का टारगेट दिखाएगा। अपना एम क्या होना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट मार्केट दिखाए कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, है ना, जिससे कि हम लोग एक बार ग्रीन में चले जाएंगे ना तो फिर माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पार्ट में क्या कवर किया है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। अब आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है एक क्वेश्चन का आंसर है। अभी मैंने चार कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताए हैं, हैमर,
हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। अब आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर दे पाएंगे। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार में ऐसे दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है वो दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन से हैं। अब अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। दोबारा वीडियो को स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए और फिर आगे की वीडियो देखिएगा। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताने वाला हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज ये दो अगर आप समझ गए, और जो मैंने आपको पहले दो बताई, हैमर एंड शूटिंग स्टार, और ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का है, पहला है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड सेकेंड है हम लोगों का ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये दोनों जो डोजी स्कैंडल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। अब देखिए, नामकरण जानने का वैसे ज़रूरत होना नहीं चाहिए, बट जैपनीज लोगों ने रखा है। क्या सोच के रखा है, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराता हूँ। पहला एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो देखिए, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है। हम लोग छोटे पे क्या करते थे, उसकी दो विंग्स होती है, एक टेल होती है, तो उसकी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई को पकड़ के उसके पीछे रस्सी बांध के खेलते थे, है ना। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब क्या होता है, उसमें उसकी दो विंग्स होती हैं, एक टेल होती है। इसका भी क्या है, अगर आप देखेंगे दो विंग्स है, एक टेल है। समझने के लिए है कि अगर ऐसा बनेगा तो आप आंसर दे सके, है ना। साइकोलॉजी ऑब्वियसली मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सेकंड हम लोग का आता है ग्रेवस्टोन डोजी। अब अगर आपने ग्रेव्स देखा होगा, ग्रेव्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ पे क्या होता है, ग्रेव्स होती है, उसके ऊपर एक स्टिक रहती है। तो उसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेव हो गई, ये आपकी स्टिक हो गई। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, मैं आपको बता देता हूँ, बट नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्लाई डोजी को बहुत लोग थोड़ा सा गलत तरीके से लेते हैं। पहला आपको ये समझना पड़ेगा, इसका कलर नहीं होता है, नो कलर, है ना, ये बहुत लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका कलर होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये हैमर जैसी दिखती है, बट क्या है कि इस हैमर में बॉडी होती है, इसके में बॉडी नहीं है। बॉडी अगर होगी इसकी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी, और कलर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका क्या है, रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, कलर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तीनों कंडीशन यहाँ पर होती हैं। ये क्या होती है, हम लोग इसको स्पॉट करते हैं आफ्टर, बताइए, टाउन ट्रेन, है ना, डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग स्पॉट करते हैं इसको। इसको आप क्या बोलोगे, बोलो, बुलिश मोमेंटम कैंडल, है ना, बुलिश कैंडल्स, बुलिश कैंडल आप बोल सकते हो, कि मतलब बुलिश कैंडल का मतलब ऐसा नहीं कि बुलिश कैंडल ही बोलेंगे, बुलिश मोमेंटम बोल देना। बुलिश मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मार्केट लगातार नीचे गिरता है या सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, बहुत लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, फिर बोलते हैं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ करने के बाद भी मुझे फॉल्स ट्रेड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है, आपको दोस्त लगाना नहीं आता ट्रेड कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेलर्स हावी थे, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद देखना है, है ना, लगातार मार्केट डाउन साइड आता जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि सेलर्स ने नीचे खींचने की ट्राई की, ठीक है, सेलर्स ने नीचे खींचने की ट्राई की, जैसा कि वो हमेशा कर रहे थे, डाउन साइड में खींच रहे थे, बट एक्सट्रीम लो से बायर्स ने क्या किया, खींच के इसको ऊपर क्लोजिंग करा दी, ओपन के पास बोल सकते हो आप, है ना। ओपन और क्लोज इनमें लगभग सेम होता है। मतलब क्या है कि एक्सट्रीम लो से रिजेक्शन करा के बायर्स लोगों ने क्या किया, सेलर्स के कंपैरिजन में ऊपर क्लोजिंग कराई। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि बायर्स एज कम्पेयर टू सेलर्स अब हावी हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हावी हो गए हैं तो कूद गए, आप भी हावी होकर ट्रेड ले लिए, जी नहीं। ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको स्क्रीन पर डेफिनेटली बताने वाला हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता हम लोग का ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या हो गया, इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया, ओपन क्लोज लगभग सेम रहता है। इसका भी पहला कंडीशन क्या होगा, इसका नो कलर होगा, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रीन रेड कुछ भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बता दूँ, या तो इसका कलर नहीं होगा, है ना, या फिर होगा तो ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। विक बहुत छोटी होती है, बॉडी बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू विक्स, तो है ना, ये चीज़ आपको समझना है। इसको आपको कहाँ देखना है, इसको आपको देखना है अप ट्रेंड, कहाँ देखना है, आफ्टर अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद देखेंगे। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहीं ना कहीं बियरिस मोमेंटम कैंडल इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो, बहुत लोगों ने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं बट साइकोलॉजी नहीं समझाई है कि उसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है, आपको भी तो पता चले कि भाई ट्रेड क्यों लेना है। तो देखिए, मैंने बोला इसको आफ्टर अप ट्रेंड के बाद स्पॉट करना है, तो लगातार
अप ट्रेंड आता जा रहा था, ठीक है, लगातार अप ट्रेंड आता जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स लोगों ने खींचा ऊपर तक, ठीक है, हाई बनवाया, बट सेलर्स ने क्या किया, खींच के इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे नीचे करवा दी। अब कहीं पे भी मान लो ओपन ऊपर हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुई है, उस कैंडल में क्या पता चलता है, उसमें ये पता चलता है कि मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार हो रहा है। अब तुरंत नहीं कूदना, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और कैंडल सिक्स पैटर्न स्पॉट करेंगे, ट्रेड कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट्स क्या होने वाला है, मैं सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों कैंडल सिक्स पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, फाइव स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न होते हैं, फोर भी होते हैं, और क्या बोलते हैं, थ्री भी होते हैं। फाइव स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें कौन से हैं, आपका हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे हम लोग ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो चार कैंडल सिक्स पैटर्न है, ये फाइव स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न बोलते हैं इसको। आपको इसको अपनी ट्रेडिंग जो किट होती है, जिसमें मैं अपनी एक्यूरेसी अच्छी लाना चाहता हूं, या फिर जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, या फिर जिसमें मैं बहुत अच्छा पैसा बनाता हूं, उसमें आपको इनको इंक्लूड जरूर करना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और इन दोनों कैंडल सिक्स पैटर्न पे आपको क्या बोलते हैं क्लैरिटी में दे देता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको उसको ध्यान से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेव स्टोन डोजी। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि बुलिश मोमेंटम कैंडल होती है, और ग्रेव स्टोन डोजी होती है बेयरिश मोमेंटम कैंडल। तो पहले हम लोग क्या स्पॉट करेंगे, आप बताइए, ड्रैगन फ्लाई डोजी में पहले हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे, है ना। तो मैं प्ले करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से मार्केट आपका डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन जाता जा रहा है, फाइन। ये देखिए लगातार डाउन आया, अब यहाँ पे कहीं बनेगी तो हम लोग लेने वाले हैं, ठीक। अभी भी नहीं बनी है, अभी भी नहीं बनी, ठीक ठीक ठीक, अभी भी कुछ खास कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिला है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी बनी है, क्या बोला था मैंने, कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है उसका जो विक होता है और जो बॉडी होती है उसके में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब बॉडी बहुत नेग्लिजिबल होगी, या तो कोई कलर नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत छोटा होगा, रेड या ग्रीन। यहाँ पे देखिए बहुत छोटा ग्रीन है। ट्रेड कैसे लेना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल जो होगी, क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, इसके हाई के ऊपर, जो कि कर दी है ना, और उसी के हाई पे हम लोग बाइंग करेंगे। इसी, क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। और देखिए अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो एक ही कैंडल में ही आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है अगर आपको एक ही दिन में आपका टारगेट अचीव हो जाए तो। बट ठीक है, मुझे टारगेट अचीव होने से मतलब है, अगर नहीं होगा तो पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखिए ट्रेड मैं फिर से बताता हूँ कैसे लेना था। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ध्यान से सुनिए, अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करे, कर दिया। अब जो कैंडल क्लोज करी है उसके हाई पे बाइंग करना है दोस्तों, है ना, और यहीं पे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है उसका लो, और अकॉर्डिंगली आपको टारगेट रखना है। कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए 1:2, या फिर इतना होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये देखिए ये लेटेस्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं पहला टारगेट रखता, 1:1.5 भी बहुत बढ़िया टारगेट होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ेंगे जिससे कि आपको सही से क्लियर हो। ऐसा नहीं कि बस एक कैंडल देख के एक एग्जाम्पल देख लिया क्लियर हो गया, जी नहीं। ये देखिए आपका डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, फाइन। हमें क्या चाहिए, वी नीड ए ड्रैगन फ्लाई डोजी, फाइन। अब मैं इधर ही कहीं पॉज करूँगा, जाने दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ जिससे क्लैरिटी हो, ओके फाइन। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी आपको सही से हो। एक चीज़ और, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लगातार प्रैक्टिस ही आपको क्या बोलते हैं इन चीज़ों में परफेक्ट करने वाली है। ये देखिए लगातार गिरा, यहाँ पे पहला बॉटम बना, ऊपर गया, फिर दूसरा बॉटम बना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बनी हम लोग की ड्रैगन फ्लाई डोजी। नेक्स्ट कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग की, जी हाँ एकदम किया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसी के ऊपर बाइंग करना है, यहाँ पे हाई पे बाइंग करेंगे, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, और अकॉर्डिंगली पहला टारगेट तो मैं यही स्विंग हाई रखने वाला हूँ। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उतना आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा। आप में और मेरे में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पैसा आप भी बना सकते हैं और पैसा आप बनाते भी हैं, और पैसा मैं भी बनाता हूँ। मेरे भी लॉस होते हैं, आपके भी लॉस होते हैं, बट भरोसे वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए दो कैंडल में ही हम लोग का टारगेट हो गया, दो तीन कैंडल में। अब इसके बाद ऊपर जाता जा रहा है तो क्या करो, आप मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बुक कर लो, रिमेनिंग क्वांटिटी का प्रॉफिट आप धीरे धीरे बुक करने वाले हो,
कैसे करेंगे आप प्रॉफिट बुक, देखिए यहाँ पे आपका पहला टारगेट हो गया, आप मोमेंटम कैंडल के पास 30% का स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पे गया आप कुछ क्वांटिटी बुक करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो। इससे क्या होता है, आप प्रॉफिट भी कैप्चर करते रहते हो और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर ओवरऑल एक बढ़िया प्रॉफिट में निकलते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी का। हम लोगों ने इससे पहले देखा ड्रैगन फ्लाई। ग्रेवस्टोन होती है आपकी किसके बाद? अप ट्रेंड के बाद बनेगी, ठीक है। चलिए, अब ट्रेंड हम लोग का बनता जा रहा है, जब बनेगा तो मैं पॉज करके आपको दिखा दूंगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी बनी है क्या, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, आपको अगर याद होगा अगली कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे क्लोज करे, वहाँ पे क्या था ऊपर क्लोज करे, यहाँ पे नीचे क्लोज करे, नीचे क्लोज कर दिया, उसी कैंडल के लो पे हम लोग सेल करेंगे, उसी के कैंडल का हाई, उसी कैंडल का मतलब उसकी प्रीवियस वाली कैंडल जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाया। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ टारगेट पहला रखूँगा और सेकेंड टारगेट मैं यहाँ रखने वाला हूँ। हमेशा रिवर्सल कैंडल्स बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि बस तुरंत कूद गए। देखिए हम लोग का टारगेट अचीव हो गया और सेकेंड टारगेट भी लगभग अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे अचीव हो गया है। 1:2.5 का रिस्टो रिवॉर्ड मिला, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी का। इतने ज़्यादा एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको सही से क्लैरिटी हो सके। एक चीज़ आपने काम करना है, प्लीज़ वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। अब ये दोनों कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ा आसानी से देखने को मिलता है कि पैसा कितना फ्रीली बनता है अगर आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। 1, 2 और यहाँ पे बनी आपकी देखिए ग्रेवस्टोन डोजी। अब बहुत लोग इसको बोलेंगे सर ये लॉन्ग लेग डोजी भी है, ठीक है, इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हैं हम, बट ग्रेवस्टोन डोजी भी हम लोग बोलने वाले हैं, है ना। देखिए स्टॉक मार्केट में 19-20 चलता है, है ना, 80-100 नहीं चलेगा लेकिन 19-20 चलेगा, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, क्लोज कर दी, इसके लो पे सेल किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया मूवमेंट डाउन साइड की देखने को मिली है, मार्केट लगातार नीचे चलता गया। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा, कभी कभी आप ट्रेड लोगे मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस करा देगा। सो स्टॉप लॉसेज आर पार्ट ऑफ गेम, प्लीज़ स्टॉप लॉस को आपने एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस आपका हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस अब हटा के आप सोच रहे हो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से गिर सकता है, जी नहीं, स्टॉप लॉस आपका ये है। यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस कटेगा आप सिंपली एक्सेप्ट करके मार्केट से ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, नेक्स्ट ट्रेड पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। सो हमेशा स्टॉप लॉस को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए अगर आप इन कैंडल्स पे इन सेटअप्स पे ट्रेड लेंगे तो 10 में से 7 से 8 बार आपके साइड ट्रेड जाएगा ही जाएगा। अब 2-3 बार नहीं जाएगा तो हम लोग लॉस एक्सेप्ट करके शांति से साइड में बैठ जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं और उनमें रहेगी पहली स्पिनिंग बॉटम एंड सेकंड रहेगी हम लोग की स्पिनिंग टॉप। अब इसका नाम स्पिनिंग बॉटम या फिर स्पिनिंग टॉप क्यों पड़ा है? सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को स्पिनिंग करने वाली एक लट्टू मिलती थी, उसमें आप रस्सी बांध के ऐसे हम लोग फेंकते थे तो वो ऐसे क्या बोलते सर्कल में घूमता था। अब आप कह सकते हैं कि उसका जो शेप है वो इनकी तरह दिखता है, तो मैं भी आप कह सकते हैं कि इन दोनों का नाम उस क्या बोलते हैं शेप पे पड़ा है। अब देखिए ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, पहला बुलिश है दूसरा बियरिश है। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की है और ये वाली आपकी रेड कलर की है, और बहुत लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बट मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहली कैंडल कवर करते हैं और मैंने आपसे हमेशा बताया है कि हम लोग जो मेरा राइट साइड है वहाँ पर हम लोग बुलिश मोमेंटम कैंडल देखने वाले हैं और राइट साइड में बियरिश मोमेंटम कैंडल्स। इस टॉप को मैं काटना चाहूँगा, ये टॉप गलती से टाइप हो गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस टॉप को मैं फिर से यहाँ काट देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये स्पिनिंग कैंडल अगर डाउन साइड में बनेगी, है ना, कुछ कंडीशंस के साथ और जो कि मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम कैंडल्स, आप उसको बुलिश स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोल सकते हैं। साथ में अगर वो कैंडल अपसाइड में बनती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब देखिए एक कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि जो टॉप पे बनेगी वो केवल रेड कलर की होगी, बट ऐसा नहीं है। देखिए ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं बताना चाहूँगा, अगर बेरिश स्पिनिंग टॉप बनती है तो वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपकी बुलिश स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनती है तो वो रेड कलर की भी हो सकती है। मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये देखिए मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग बॉटम कैंडल बोलेंगे। अब देखिए इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, पहले मैं इसका सारे पॉइंट समझा देता हूँ। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर, बताइए आफ्टर क्या बोलिए, डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा ये, है ना, डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। तीसरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे बुलिश मोमेंटम कैंडल,
बुलिस मोमेंटम कैंडल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिस मोमेंटम कैंडल्स। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है कि मार्केट लगातार नीचे आ रहा था, है ना, लगातार रेड कैंडल्स बन रही थी, ऐसे मैं करके बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स लोगों ने यहाँ पे भी नीचे डाउन साइड में खींचने की पूरी कोशिश करी, बट बायर्स ने बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, हम लोग भी आ चुके हैं, और बायर्स ने क्या किया, इसको एकदम एक्सट्रीम लो से रिजेक्ट करा के अपसाइड में यहाँ क्लोजिंग कराई है। ये ओपन हो गया बिकॉज ये ग्रीन कलर है तो क्लोजिंग ऊपर हुई होगी, और ये इसका हाई हो गया। स्पिनिंग बॉटम्स को एंड स्पिनिंग टॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिसीजन कैंडल्स। इंडिसीजन का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन का मतलब आप क्या समझेंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड लगातार चलता आ रहा है, उसके बाद अगर कन्फ्यूजन होगी तो मतलब क्या है, सेलर्स अब थक चुके हैं, बायर्स आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग कुछ और कैंडलस्टिक्स पैटर्न इसके बाद भी देखेंगे, कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रेड कलर की भी हो सकती है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, ये रेड कलर की भी हो सकती है। सो अगर डाउन साइड में बनती है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम कैंडल, और वहाँ से मार्केट अपसाइड का रैली दिखाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की सिमिलर सिचुएशन आती है बेरिश स्पिनिंग टॉप में, हम लोग इसको टॉप ही बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये टॉप पे बनती है। अब देखिए मार्केट क्या हो रहा था, लगातार अपसाइड की रैली दिखा रहा था, है ना, लगातार अपसाइड की रैली दिखा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड बना हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कैंडल्स हैं उसका कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग इसको पकड़ लेते हैं, बट नहीं पकड़ना, आपको रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट कैन बी रेड एंड इट कैन बी ग्रीन। दूसरा क्या है, ये है आपकी बियरिस मोमेंटम कैंडल्स, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिस मोमेंटम कैंडल्स। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका आफ्टर अप ट्रेंड, ये कब बनेगा, आपका अप ट्रेंड के बाद बनेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया ट्रेड कैसे लेना है, वो डेफिनेटली मैं आपको चार्ट पे ले जाके बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि लोग यहीं सेलिंग चालू कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ सेलिंग चालू कर देंगे, और कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पे बाइंग करेंगे या फिर इसके हाई पे बाइंग करेंगे, और फिर उनको अच्छी एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है और स्पॉट कैसे करना है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल देखते हैं ना। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हुआ, मार्केट अपसाइड जाएगा, स्पिनिंग टॉप बनाएगा, फिर मार्केट वहां से डाउनसाइड जाएगा। ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है, वो मैं आपको कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद समझा दूंगा। तो चलिए मैंने रिप्ले बटन ऑन कर दिया है, देखिए लगातार ट्रेंड अपसाइड बना हुआ है, ये भी एक अपसाइड का ट्रेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक लिया और यहाँ से फिर अपसाइड की मूवमेंट दिखाने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था वो रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलेंगे। अब उसके अलावा अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आगे की पांच कैंडल में कोई एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग की हो जाती है तो सोने पे सुहागा है, है ना। अब इसने तो इसी कैंडल ने कर दिया, इस कैंडल के क्लोज, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज, अब इसके लो पे मैं सेल करूंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और अकॉर्डिंगली आपका टारगेट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला टारगेट हम लोग इस सपोर्ट के पास रख सकते हैं, है ना, ये जो सपोर्ट है ये हम लोग का पहला टारगेट होने वाला है। हमेशा आपका एम ये होना चाहिए फ्रेंड्स कि टारगेट जब भी हो प्लीज बुक कर लीजिए, है ना, ये बहुत गलत बात है, कुछ लोग टारगेट बुक नहीं करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का पहला टारगेट अचीव हो गया। अब देखिए पहला टारगेट जब भी अचीव हो जाएगा आप स्विंग हाई स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं ट्रेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको सही से क्लैरिटी हो सके। तो चलिए हम लोग स्पिनिंग टॉप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टॉप का मतलब टॉप पे बनेगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बॉटम का मतलब बॉटम में बनेगा, बॉटम का मतलब वहाँ से बुलिश, टॉप का मतलब वहाँ से बेयरिश, ठीक है। चलिए देखते हैं, कैंडल्स बनती जा रही हैं, है ना। अभी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल। जैसा कि मैंने कलर बताया है कोई भी कलर चलेगा, रेड भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगली कैंडल या फिर उसके आने वाली अगली कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे क्लोजिंग करे, है ना, लो के नीचे क्लोजिंग करे, क्लोज के नीचे क्लोज मत करे, लो के नीचे क्लोज करे। इससे क्या क्लियर होता है कि मार्केट बेरिश सेंटीमेंट में अच्छा वाला आ चुका है। अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया, ये हम लोग का स्विंग हाई। अब फ्रेंड्स हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, इस कैंडल के लो पे हम लोग सेल करेंगे, यहाँ पे स्विंग हाई हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया और अकॉर्डिंगली पहला टारगेट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब चलिए मैं इसको प्ले कर देता हूँ, देखते हैं हम लोग का टारगेट अचीव होता है। अभी भी बढ़िया मोमेंटम कैंडल बना, नीचे आया, ठीक है,
अब देखिए हम लोग का टारगेट यहाँ पे आसानी से अचीव हो गया। अब आपने क्या करना है, जब भी टारगेट अचीव हो या फिर टारगेट लगा के आप 70-80% क्वांटिटी निकाल दो और रिमेनिंग क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप मोमेंटम कैंडल के पास ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्पिनिंग बॉटम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी मैंने ट्रेंड को चालू कर दिया है, हम लोग क्या करेंगे स्पिनिंग बॉटम में, हम लोग डाउन साइड का क्या बोलते हैं कैंडल स्पॉट करने वाले हैं, जहां पे डाउन साइड में स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी होगी। अभी ट्रेंड आपका लगातार डाउन जाना चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम डाउन जाता है तभी हमें क्या बोलते हैं कन्फर्मेशन अच्छा मिलता है ना, तभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। ट्रेंड अभी भी डाउन गया, अब ये देखिए ध्यान से ये वाली कैंडल आपकी क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड भी चलेगा ग्रीन भी चलेगा। अगली कैंडल ने क्या उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई, हाई के ऊपर डेफिनेटली दिखाई, तो मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा, मैं तुरंत ट्रेड पंच इन कर दूंगा इस कैंडल के हाई पे, ये मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस हो गया। अब अकॉर्डिंगली कम से कम यहाँ तक तो मैं टारगेट रखने वाला हूँ। अब देखिए टारगेट होता है क्या, ठीक है अभी हाँ अभी हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, फाइन। अब जब भी आपका पहला टारगेट हो तो आप टारगेट अचीव करो। अब देखिए टारगेट मैंने ऐसा क्यों बोला कि यहीं पर रखो, यहीं पे देखिए एक रेजिस्टेंस। कभी भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमेशा 1:4, 1:3 आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग गलती क्या करते हैं कि 1:4, 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड को कैप्चर करने के चक्कर में 1:1.5, 1:2, 1:1, 1:1.2 ऐसे छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को आप छोड़ देते हैं जहाँ पे आपको पैसा दिख रहा होता है। तो मतलब इन पैसों को भी आपको कैप्चर करते रहना है। देखिए ट्रेडर वो है जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स को भी कैप्चर करते रहता है ना। ऐसा नहीं कि आप डेली सोचोगे कि आपको 4% 5% देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा, जी नहीं, स्मॉल प्रॉफिट्स हमेशा कैप्चर करते रहना है। स्मॉल प्रॉफिट्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि 1:1 से कम हो गया तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जी नहीं। कम से कम अगर आपने 1000 का रिस्क लिया है तो 1000, 1200, 1500, 2000 का टारगेट आपको फर्स्ट साइड में दिखना ही चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं स्पिनिंग बॉटम का, दो दो एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए डाउन ट्रेंड लगातार बनता जा रहा है, ठीक है डाउन ट्रेंड को जाने दीजिए, है ना। जितना बढ़िया ट्रेंड आपका जाएगा उतना अच्छा पैसा आपका बनेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन ट्रेंड बनता आया है ना, यहाँ पे एक स्पिनिंग और यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल देखने को मिली। अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करी, डेफिनेटली क्लोज करी, पीछे सपोर्ट है क्या, एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिख रहा है। अब इससे परफेक्ट आपको क्या चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा आसानी से पैसा आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस होगा भी 5 भी स्टॉप लॉस होते हैं और अगर मेरे 3 भी ट्रेड मेरे साइड चले गए तो भी मैं नेट ऑन नेट प्रॉफिट्स में आ जाऊँगा। अब हम लोग प्ले करते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। ये हम लोग का टारगेट होने वाला है फर्स्ट वाला, ये वाला है ना, यहाँ पे पहला टारगेट हम लोग का अचीव हो गया और मार्केट ऊपर चलता गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा। ट्रेल कैसे करूँगा, ये देखिए तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, आपने यहाँ पहला प्रॉफिट रखा था बुक कर लिया, उसके बाद मोमेंटम कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दो, उसके बाद कुछ क्वांटिटी आप मे बी होल्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपकी 90% अप टू 90% क्वांटिटी तो बुक हो जानी ही चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं एंड वो दो कैंडल्स रहेंगी बुलिस मारुबोजू एंड बियरिस मारुबोजू। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज जापानीज लोगों ने इसका नाम रखा है। तो मैंने सर्च किया था तो मारुबोजू का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यू कैन से पावरफुल, क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको इंडिकेट करना है तो उसको हम लोग मारुबोजू बोलते हैं। अब अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना तो ये कैंडल कहीं ना कहीं है भी स्ट्रॉन्ग और ये वाली भी कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए ये जो बुलिस मारुबोजू होती है ये बनेगी आपकी डाउन ट्रेंड के बाद, और ये जो आपकी बियरिस मारुबोजू है ये कब बनेगी, ये बनेगी आपकी अप ट्रेंड के बाद। अब देखिए स्ट्रॉन्ग क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है ना, ये यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली जो बुलिस मारुबोजू होगी वह केवल ग्रीन कलर की होने वाली है ना, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कब बनेगी, ये आपकी बनेगी डाउन ट्रेंड के बाद, आफ्टर डाउन ट्रेंड है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिस मोमेंटम एंड बुलिस रिवर्सल कैंडल है ना। इसका अगर फॉर्मेशन होता है डाउन साइड में, ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, वो तो बात की बात है, बट इसको हम लोग बुलिस मोमेंटम या फिर बुलिस रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। अब इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं समझिए, देखिए ये जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं से लोगों ने बाइंग चालू की है और एकदम हाई तक जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे हाई है। मतलब क्या है कि हर जगह लोगों ने बाइंग की है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हर जगह लोग बाइंग करते हैं, हर लेवल पे लोग बाइंग करते हैं तो मार्केट बहुत
तेज क्या बोलते हैं सूटअप करता है अपसाइड में, और वही हुआ है। मार्केट बहुत तेज ऊपर गया है और जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट हाई के पास हुई है। मतलब क्या है, एक बहुत ही मतलब क्या है कि ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बायर्स आ चुके हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स। अब होता क्या है, ट्रिक क्या थी मैं अगर आपको समझाऊँ, सो मार्केट हम लोगों का डाउन साइड आता जा रहा था, रेड कैंडल बनी, बट अगर ये क्या बोलते हैं बुलिस मारू बोजू कैंडल बनती है ना, तो इससे ये क्लियर हो गया कि मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं, मे बी यहाँ से एक आपको बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब देखिए मैं हर जगह रिवर्सल बता रहा हूँ, अब ये कैंडल्स मान लीजिए अप ट्रेंड बनता जा रहा है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजी आपको अपना लगाना पड़ेगा। अप ट्रेंड बनता जा रहा है और मार्केट थोड़ा पॉज लिया, फिर यहाँ पे बुलिस मारू बोजू बनती है, तो आप क्या समझेंगे, तब भी आप यही समझोगे कि मार्केट यहाँ से और सूट अप कर सकता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ट्रेंड पहले से ही अप है, यहाँ पे पॉज लिया फिर बुलिस कैंडल बनी, तो और सूट अप कर सकता है, तो वो हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न में कवर करेंगे। जब हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न में आएंगे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम लोग केवल रिवर्सल एंड क्या बोलते हैं रिवर्सल कैंडल पे कैसे ट्रेड लेना है वो कवर कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैंडल हम लोग की आती है बेयरिश मारू बोजू कैंडल। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जिस प्राइस पे ओपन हुआ है एग्जैक्ट वहीं से लोगों ने सेलिंग चालू की है, और जहाँ पे ओपन है वहीं पे हाई है, और एग्जैक्ट लो तक मतलब यहाँ पे ओपन हुआ यहीं पे हाई बना यहीं से लोगों ने सेल करना चालू किया, और जहाँ तक लो बनाया है वहीं पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है, मतलब हर लेवल पे सेलिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स इस कंपेयर टू बायर्स बहुत ज़्यादा हावी है। अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है रेड कलर पहला, और दूसरा क्या है ये कब बनेगा, आफ्टर बताइए, पॉज करके बताते रहिए, अप ट्रेंड के बाद बनेगा है ना, ये आपका बनेगा अप ट्रेंड के बाद। इसको क्या बोलते हैं, बेयरिश मोमेंटम या रिवर्सल कैंडल्स, बेयरिश मोमेंटम या फिर बेयरिश रिवर्सल कैंडल्स, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा था कि मार्केट लगातार अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था है ना, लगातार अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था। अब उसके बाद क्या बनी, ये बनी आपकी बेयरिश मारू बोजू कैंडल। अब इसका इंडिकेशन क्या है कि मार्केट में एज कम्पेयर टू बायर्स सेलर्स भी आ चुके हैं है ना, जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे लगातार सेलिंग चालू हो गई है और एकदम लो तक सेलिंग की है। कुछ कंडीशंस और हैं, अगर वो कैंडल्स बनेंगी तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ऑब्वियसली मैं आपको स्क्रीन पे, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है डेफिनेटली मैं आपको जब चार्ट पे ले चलूंगा तो क्लियर कराऊंगा, बट आप सेल करेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम एक्यूरेसी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल्स होती हैं। अब कुछ लोग एक गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि एकदम पिक्चर परफेक्ट ढूंढते हैं, मतलब जहाँ पे ओपन हो वहीं पे हाई हो। सो स्टॉक मार्केट में एकदम 100% चीज़ें काम नहीं करती हैं दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जिससे कि आप ट्रेड्स ले सकें। अब एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा हूँ ना, मैं इसका क्या बोलते हैं सोच रहा हूँ कि वो डिजिटल बोर्ड जो आते हैं टीवी वाले बड़े वाले, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं उस पर समझाऊँ तो डेफिनेटली मैं उसको क्या बोलते हैं परचेज करके यहाँ लगवा दूंगा। अब वैसे भी मैं फ्रेंड्स न्यू ऑफिस लेने वाला हूँ तो मैं वहाँ पर लगा दूंगा, बट आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मैं उस पर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अभी चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बुलिस मारू बोजू एंड बेयरिश मारू बोजू के एग्जाम्पल्स समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ बुलिस मारू बोजू एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे बेयरिश मारू बोजू का एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, बार रिप्ले के थ्रू लाइव मार्केट का फीलिंग के लिए क्या बोलते हैं चार्ट प्ले कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए नीचे आ रहा है मार्केट, नीचे आएगा हमारे लिए फ़ायदा है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है ना। अब मारू बोजू कैंडल बनेगी तो हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक सेकंड में एक बार और प्ले कर देता हूं, ये देखिए। अब देखिए इसको लोग बोलेंगे कि ये मारू बोजू नहीं है, बट मैं क्या बोलता हूं, अगर आप हमेशा एकदम पिक्चर परफेक्ट ढूंढोगे, एकदम पिक्चर परफेक्ट, तो मिलना मुश्किल है ना, और आप फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मे बी, बट देखिए ये मुझे लगता है कि अगर ग्रीन कैंडल इतनी बढ़िया बनती है, पीछे हैमर बना है और पीछे से एक बढ़िया डाउन साइड की रैली देखने को मिली है, तो मार्केट एक अपसाइड जाएगा। तो ये थ्योरी के हिसाब से तो मारू बोजू नहीं है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, खुद मैंने समझाया था, बट ट्रेड करने के लिए हम लोग इसको मारू बोजू कंसिडर करने वाले हैं। अब मारू बोजू में कैसे ट्रेड करते हैं, एक कैंडल मारू बोजू के ऊपर बस हाई बना दे है ना, बस मारू बोजू के कैंडल के ऊपर हाई बना दे, बिकॉज ये स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल्स होती है। अब इसमें हाई कब टूटा, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता और ये मारू बोजू के लो पे स्टॉप लॉस लगाता। अब देखो तब से आप लोग क्लास देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा है ना।
आप बुलिस मारू बोजू के नीचे स्टॉपलेस लगा सकते थे, बट उसी के नीचे हैमर बनी है, तो मैं सेफ खेलने के लिए हैमर के नीचे स्टॉपलेस लगा दूंगा, है ना। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, अब मेरा पहला टारगेट क्या बोलते हैं यहाँ रहेगा, सेकेंड टारगेट मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। अब चले मैं प्ले कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहला टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जानने वाली है। आपने पहला टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया, फर्स्ट टारगेट, अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले आओ, है ना। अब चलिए मैं प्ले करके देखता हूँ ऐसे हुआ क्या है। अगर स्टॉप लॉस हुआ होगा तो भी आप किस में जाएंगे, यू विल बी इन बेटर प्रॉफिट्स, हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले हैं। वैसे देख लेते हैं क्या हुआ है ना। सेकेंड टारगेट के पास लगभग गया, अभी भी टारगेट नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, है ना, अभी भी नहीं, ना स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी झूल रहा है, अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। अब मुझे लगता है शायद टारगेट हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे सेकंड टारगेट अचीव हो गया, थोड़ा टाइम लगा। सो दिस इज़ कॉल्ड पेशेंस। आपको लाइफ में और आपको अपनी ट्रेडिंग में आपको पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल में मारू बोजू का आपको और दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए कि बुलिस मारू बुजू कहाँ बनेगी, अपसाइड या डाउनसाइड के बाद, है ना। उसके बाद आप दोबारा वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट लगातार डाउनसाइड गया। अब जैसा कि मैंने आपको दोस्तों क्या बोला है, ये आप इसको आप बोलेंगे बुलिस मारू बोजू कैंडल, है ना। अब थ्योरी के हिसाब से है तो सही नहीं है ना, ये वाली कैंडल थ्योरी के हिसाब से तो सही नहीं है, बट ट्रेड लेने के लिए पिक्चर परफेक्ट है। उसके पहले भी एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी है जो कि कंफर्म करती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। अब देखिए, अब बुलिस मारू बोजू के ऊपर एक कैंडल हाई बना दे बस, अब यहाँ पर आपने ट्रेड लेना है। अब स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, इसी बुलिस मारू बोजू के क्या बोलते हैं लो पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड भी तो अपना फेवरेबल करना है, है ना। क्योंकि यहाँ पे नीचे ले जाऊंगा तो मे भी थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहे, और चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे पहला टारगेट रखता हूँ इसके ऊपर, ठीक। चलिए हम लोग प्ले करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ पे बहुत आसानी से अचीव हो गया, और मान लीजिए मैं सेकंड टारगेट थोड़ा सा ऊपर रखता, और आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाएंगे आप दिमाग लगाएंगे स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर देंगे, है ना, यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं प्रॉफिट में गया हूँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लोग बेयरिश मारू बोजू का देख लेते हैं। बेयरिश मारू बोजू कहाँ बनेगी, यू कैन पॉज एंड आंसर मी। बेयरिश मारू बोजू बनेगी अप ट्रेंड के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट अपसाइड गया, छोटा सा पॉज लिया, फिर मार्केट ने दोबारा टॉप बनाया, इसको डबल टॉप बोलते हैं, इसको आप बोलेंगे बेयरिश मारू बोजू कैंडल, है ना। अब हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे, हम लोग को ट्रेड करना है इसके लो पे। अब आप थोड़ा सा पॉज करो, ठीक है, ध्यान से देखना आप क्या यहाँ पे ट्रेड करेंगे, येस और नो करके आंसर टाइप कीजिएगा, ठीक। नो ट्रेड नहीं करेंगे दोस्त, क्यों नहीं करेंगे आप समझो। आप देखो ना, ये जो ट्रेंड था 1 2 3, इन्हीं तीन कैंडल्स में इस सभी ट्रेंड की कैंडल्स को कवर कर लिया। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगने वाला है, और आपका क्या बोलते हैं एंट्री यहाँ पे होगी। ये बहुत बड़ा गैप है, और मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट के पास भी आपका ये टारगेट 1:1 भी कम्प्लीट हो पाएगा। सो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जो मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताते हैं। बस आपको ये बताया जाता है कि ट्रेड ले लो, है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड ये सब चीज़ें मत देखो। तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना, वहीं पे क्या होता, ये थोड़ा सा और ऊपर गया होता, यहाँ पे बनता तो मैं इधर का टारगेट रखता, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, एंड वो दो कैंडल्स हैं, और ये कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट कैंडल सिक्स पैटर्न में से एक है। फर्स्ट विल बी बुलिस एंगल्फिंग कैंडल, एंड सेकंड विल बी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल। अब अगर आप देखेंगे तो इसको मान लीजिए कि आप एक छोटी सी चींटी है, और ये सामने चला आया इसका एक हाथी। अब हाथी आएगा तो चींटी क्या करेगी, चींटी डर के हट जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, कि जो ट्रेंड आपका डाउन साइड चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। तो चींटी क्या इंडिकेट करती है, कि ट्रेंड खत्म होने वाला है, और ये हाथी का मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यू कैन से रिवर्सल होने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे है, मार्केट लगातार अपसाइड चलता गया, यहाँ पे इसको मान लीजिए आप चींटी, और इसको हम लोग बोलेंगे हाथी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ट्रेंड है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी देखनी पड़ेंगी, बिकॉज एंगल्फिंग को भी बहुत लोग बहुत गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एंगल्फिंग या फिर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के नेचर साइकोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मार्केट लगातार
डाउन साइड आता जा रहा था, ठीक है, रेड कैंडल्स बन रही थी, और ये क्या बनी है, इसको भी हम लोग रेड कैंडल बोलेंगे, है ना। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये ग्रीन कलर की हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसका जो क्लोजिंग हुआ है, रेड कलर है तो ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, और जो ग्रीन कलर है उसका ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। बट इस कैंडल के कंपैरिजन में ये वाली कैंडल गैप डाउन होती है मैक्सिमम टाइम। क्या होती है? गैप डाउन। अब गैप डाउन होने के बाद, मार्केट गैप डाउन हुआ उसके बाद अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो वो तो और ज़्यादा इंडिकेट करता है कि मार्केट पॉजिटिव है। अब यहाँ पे गैप डाउन हुआ और बायर्स लोगों ने खींच के ऊपर यहाँ पे अपसाइड में क्लोजिंग कराई है, लगभग थोड़ा सा हाई के नीचे, ये आपका हाई हो गया। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आता जा रहा था, सेलर्स आवी थे, मार्केट क्या बोलते हैं, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मतलब सेलर्स और आवी हो गए, बट बायर्स ने क्या किया, गैप डाउन से ऊपर क्लोजिंग कराई। मतलब क्या है कि बायर्स एज कम्पेयर टू सेलर सब हावी हो चुके हैं। ट्रेड कैसे करना है एंगल्फिंग को, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा, बट अभी आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए। सो जो बुलिश एंगल्फिंग होती है, इसमें पहली कैंडल स्मॉल होगी, वो रेड कलर की होगी, और जो बिग होगी वो ग्रीन कलर की होगी, और वो रेड को पूरा कवर कर लेगी। सेकेंड कंडीशन ये होती है आपकी बुलिश रिवर्सल एंड मोमेंटम कैंडल्स, है ना। ये अगर बनेगी तो आप मान लो कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड की रैली दिखाने वाला है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का। तो उसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, मार्केट आपका लगातार क्या करेगा, कमेंट करके बताइए, लगातार अपसाइड जाएगा, है ना, लगातार अपसाइड जाता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बना, पहली आपकी बनी जी टी एंड दिस इज स्मॉल, ये आपका क्या है, स्मॉल होगा, और जो रेड कलर वाली कैंडल होगी वो क्या करेगी, ग्रीन वाली कैंडल को पूरा कवर कर लेगी। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, जैसे मतलब ये ग्रीन वाली का हाई इसके हाई के ऊपर होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, गलत है, ठीक है। रूल, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कंडीशन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ट्रेडिंग से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं पे अगर आप सही तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से पैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड का बना हुआ था, अप ट्रेंड में गैप अप हुआ इस कैंडल के कंपैरिजन में, बट सेलर्स लोगों ने खींच के नीचे क्लोजिंग कराई। अब नीचे क्लोजिंग होती है तो रेड कलर की होती है। अब रेड कलर का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं, मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकता है, ठीक। ट्रेड कैसे लेना है, ऑब्वियसली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, पहली जो कलर वाली कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, दूसरी होगी रेड। ग्रीन वाली क्या होगी, स्मॉल, रेड वाली उसको बिग होगी और उसको बढ़िया तरीके से एंगल्फ करने वाली है। इसके अलावा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश मोमेंटम कैंडल्स या फिर बियरिश रिवर्सल कैंडल्स। एक चीज़ और आपको काम करना है, ये थोड़ा सा रफली मैं लिख दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको वीडियो को पहले एक बार देखना है, ठीक, उसको फिर दोबारा देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक्स पैटर्न का कितना ज़्यादा एडवांटेज होता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अभी भी, और मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शंस करता हूँ तो भी, मैं स्टॉक्स करता हूँ तो भी, मैं क्रिप्टोज करता हूँ कभी कभी तो भी, क्रिप्टोज बहुत कम करता हूँ, और जब मैं स्विंग करता हूँ तो भी, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, नॉर्मल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, सब में मैं इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न का यूज़ करता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता भी जा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें मैं बस बता ही रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं आपको इम्पैक्टफुल और इम्फेसिस करके बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, इससे आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपका सजेशन है, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं पीसी पे, और बोथ बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग्स के, दो एग्जांपल देखेंगे फिर हम लोग कवर करेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेरिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग में क्या बनेगा, आप कमेंट करके बताइए, मैं बता देता हूँ। ऐसे बुलिश एंगल्फिंग में हम लोग का ट्रेंड डाउन चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसी कैंडल ढूंढेंगे जो रेड कलर को पूरी सही तरीके से कवर कर दे, और जो कैंडल कवर करेगी वो होगी ग्रीन कलर की।
अब ये क्या हुआ, इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल को इसने पूरा कवर कर दिया है ना। अब ट्रिक क्या होती है, जो कैंडल एंगल्फ हुई है ना, जो कैंडल एंगल्फ हुई है उसकी पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। बट यहाँ पे तो पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर तो ये चली गई है ना, क्योंकि क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिटेल वाली चीज़ें हैं, ये इंसान आपको वही बता पाएगा जो कैंडल सिक्स पैटर्न पर मास्टरी किया है। लगातार आपका डाउन साइड चला आ रहा है ट्रेंड है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी बनी एंगल्फिंग कैंडल है ना, ऐसे करके तो आप बाइंग कैसे करते हैं, आप बाइंग करते हैं पता है कहाँ पे? आप बाइंग करते हैं जैसे ही कैंडल्स इसके ऊपर क्रॉस करती है ना, कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करेगी तब है ना, यहाँ पे इस कैंडल पे जो कैंडल एंगल्फ हुई है उसकी प्रीवियस वाली कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल एंगल्फ हुई, इस कैंडल के हाई पे करना था, बट अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल तो इसके अंदर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैंडल एंगल्फ हुई है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस कैंडल ने एंगल्फ किया है हम लोग उसी के हाई पे बाइंग करेंगे है ना। तो इसी के हाई पे बाइंग करो, यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और अकॉर्डिंगली आपको टारगेट रखना है। फिर से बता दूं फ्रेंड्स, अगर यही वाली रेड कैंडल इधर कहीं होती तो हम लोग इसके हाई पे बाइंग करते, बट एंगल्फिंग ने रेड वाली कैंडल को तो कवर किया ही, साथ में उसकी प्रीवियस वाली कैंडल को भी कवर कर दिया, तो हम लोग का एंट्री प्राइस चेंज हो जाएगा, हम लोग एंगल्फिंग के हाई पे बाइंग करने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी बताता है ना। अब आपने ट्रेड ले लिया, अब हम लोग पे करते हैं। मान लीजिए आपका पहला टारगेट यहां पे होता, ठीक है, इधर कहीं देखते हैं अचीव होता है क्या। पहला टारगेट अचीव हो गया, आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लोगे, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस आप यहां पे स्विंग लो बन गया, आप यहां पे लगा दो, ठीक ठीक है, नॉर्मल स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। बट स्टॉप लॉस होने के बाद भी क्या हुआ, स्टॉप लॉस होने के बाद भी आपने प्रॉफिट किया, क्यों किया दोस्तों, बिकॉज आपने मैक्सिमम क्वांटिटी 70% 80% क्वांटिटी आपने निकाल दी थी, तो इसको स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना। अब चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, ट्रेंड क्या होगा, डाउन साइड होगा, ये क्लियर है ना। अब ट्रेंड डाउन साइड जाने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। इसको आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, इस रेड कैंडल को कवर कर दिया तो हम लोग इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसी के हाई पे बाइंग करूंगा, बिकॉज जो कैंडल एंगल्फ हुई है रेड वाली उसकी प्रीवियस वाली कैंडल भी इसके अंदर ही है, तो हम लोग इसी के हाई पे बाइंग करेंगे, इसी का स्टॉप लॉस हम लोग स्विंग लो लगाने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो, यहाँ पर टारगेट रख सकते हो। चलिए देखते हैं टारगेट हुआ है क्या, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट तीन चार कैंडल में ही अचीव हो गए, बहुत बढ़िया चीज़ है। सो देखिए आपको समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, परफेक्ट ट्रेड बनेंगे तो कभी कभी आपके दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे, और कभी कभी क्या होगा, पहला टारगेट अचीव हो गया बट सेकेंड टारगेट आपने लगाया, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, तो प्रॉफिट आपने वहाँ पर भी किया, हाँ ये किया कि आपने वहाँ स्मॉल प्रॉफिट किया, यहाँ पे आपने बड़ा प्रॉफिट किया। और कभी कभी तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल स्टॉप लॉस के एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, एंड दीज टू कैंडल्स आर बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी। तो मेरे बहुत से दोस्त लोग ये समझेंगे कि ये वो वाला हरामी तो नहीं है, तो जी ये वो वाला नहीं है। हरामी का मतलब होता है इन जापानीज टर्म्स प्रेग्नेंट लेडी। अब प्रेग्नेंट लेडी क्यों रखा गया है मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है ना कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊँ तो ये बेबी हो गया, एंड इसको आप बोल सकते हैं द स्टमक ऑफ वुमेन। अब इसका मतलब ऐसे ही उन लोगों ने लॉजिक के साथ रखा है ना। साइकोलॉजी क्या है हम लोग को ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए जो बुलिश हरामी होती है वो बनती है आफ्टर डाउन ट्रेंड, क्या होती है, डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी, मतलब जो कैंडल्स होंगी वो रेड होने वाली हैं है ना, रेड कैंडल्स आपकी बनती हुई आएंगी लगातार, और उसके बाद ये भी रेड कैंडल ही बनेगी, उसके बाद बनेगी ग्रीन कैंडल है ना। अब ग्रीन कैंडल इस कंपेयर टू रेड क्या होगी, स्मॉल होने वाली है। बट इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुई रेड वाली कैंडल और नीचे क्लोज हुई, ठीक है। अब अगली वाली कैंडल अगर आप देखेंगे ग्रीन वाली, तो ये ग्रीन का मतलब क्या होता है, ओपन नीचे हुआ क्लोज ऊपर हुआ। अब मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, ये
गैप अप हो गया है ना। अब गैप अप का मतलब क्या होता है, मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया है, बायर्स आ चुके हैं। अब देखिए मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा था और अगले दिन मान लीजिए गैप अप हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बायर्स आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स इसमें ट्रेड कैसे करना है वो डेफिनेटली मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, बिकॉज इसमें भी बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। सो इसमें क्या होगा, पहली कैंडल रेड होगी, दूसरी होगी स्मॉल, रेड वाली कैंडल बड़ी होगी, बिग होगी एज कम्पेयर टू द ग्रीन वन, तो ये स्मॉल होने वाली है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बुलिश मोमेंटम या फिर रिवर्सल कैंडल्स। हम लोग इसको रिवर्सल ही मानेंगे, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न पे आएंगे, जब उस वाले कैंडल सिक्स पैटर्न पे आएंगे तो उसमें हम लोग मोमेंटम कैंडल्स को देखने वाले हैं। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है हम लोगों का बियरिश हरामी कैंडल। अब इसमें क्या होगा, ट्रेंड आपका अपसाइड आता जाएगा है ना, लगातार मार्केट अपसाइड आता जा रहा है। उसके बाद पहली कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की, जैसा कि अप ट्रेंड बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड कैंडल बनती है वो होती है आपकी रेड, और वो क्या होगी, इस ग्रीन वाले के कंपैरिजन में स्मॉल होने वाली है। बट अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान क्या देना है, ये क्या हुआ, गैप डाउन हो गया प्रीवियस वाली कैंडल के कंपैरिजन में, ये गैप डाउन हो गया। अब गैप डाउन का मतलब क्या होता है, मार्केट लगातार चढ़ रहा है और शेयर यहाँ से गैप डाउन हो गया, मतलब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं एज कम्पेयर टू बायर्स। अब ट्रेड कैसे लेना है डेफिनेटली मैं आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ, बट साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी कि गैप अप होगा तो बायर्स एक्टिव हैं, गैप डाउन होगा तो सेलर्स एक्टिव हैं। तो पहली कैंडल क्या होगी, पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी होने वाली है रेड। पहली कैंडल जो ग्रीन होगी वो होगी बिग, और जो रेड वाली होगी वो होगी स्मॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बियरिश रिवर्सल कैंडल्स। अगर ये कैंडल बनती हैं एक अप ट्रेंड के बाद, तो हम लोग उसको बोलेंगे बियरिश मोमेंटम कैंडल्स या फिर बियरिश रिवर्सल कैंडल्स। कहाँ बनेगी, आफ्टर बताइए अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद बनती है बेरिश इंगल्फिंग, और ये बनेगी आपकी आफ्टर डाउन ट्रेंड। एक चीज़ आपको फ्रेंड्स और मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूं बहुत लोग इस नॉर्मल कैंडल सिक्स पैटर्न के क्या बोलते हैं 50,000 1 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। हाँ, दो से तीन बार आपको देखना पड़ेगा, बट एक बार आपको क्लियर हो गया, साइकोलॉजी क्लियर हो गई। और अगर आप इसको जैसे बता रहा हूं, जहां पे एंट्री लेनी है अगर उसके साथ करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स और बहुत बढ़िया पैसा आप ट्रेडिंग से बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोगों को बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी में ट्रेडिंग कैसे करनी है, बिकॉज यहां पे भी कुछ आपको चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी जो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। बिकॉज लोग गलतियां करते क्या, मैं आपको बताता हूं, जानते क्या करते हैं लोग, यहीं पे इसी के हाई पे बाइंग कर लेंगे या फिर यहीं कहीं बाइंग कर लेंगे, ठीक है, मतलब सेल कर लेंगे, ये बेरिश हरामी है तो। और वो लोग यहां पे क्या करेंगे, कुछ लोग तुरंत बाइंग कर लेंगे, यहीं पे बाइंग का ऑर्डर डाल देंगे या फिर जैसे हाई क्रॉस करेगा बाइंग का ऑर्डर डाल देते हैं, जो कि पूरा गलत है, एकदम गलत है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं बुलिश हरामी का एग्जांपल। बुलिश हरामी कब बनेगा, आफ्टर डाउन ट्रेंड, तो ये हम लोग का डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपकी बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ देखिए, डाउन ट्रेंड आया, रेड कैंडल बनी। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, सो अगर आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये देखिए जो रेड वाली कैंडल है इसकी कंपैरिजन में जो अगली कैंडल वो गैप अप हुई, और क्या है, ग्रीन कलर की कैंडल है और ये ट्रेंड डाउन था। अब आप ट्रेड कैसे करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। सो ट्रेड आपने करना है जो बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनी है। सो देखिए फ्रेंड्स आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको करना है जो ये दोनों कैंडल्स हैं, इन दोनों का हाई कोई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो आप इसी के हाई पे बाइंग करने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, बुलिश हरामी पैटर्न में दो कैंडल्स होती हैं और दोनों कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, मतलब प्रीवियस वाली रेड वाली कैंडल, बिकॉज हमेशा इसी का हाई एज कम्पेयर टू ग्रीन वाले ज़्यादा होने वाला है। सो इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, आपने इसके हाई पे बाइंग किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। अब मैं टारगेट पहला रख लेता हूँ यहाँ पे कहीं, है ना, ये वाला मेरा पहला टारगेट होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट साइडवेज है, कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, मेरा स्टॉप लॉस लगा है, मुझे ये क्लियर होना चाहिए, फाइन।
अब देखिए गाइज, हम लोग का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, सभी टारगेट अचीव हो गए आफ्टर सम पेशेंस। तो ये फ्रेंड्स हो गया हम लोग का ग्रासी में पहला बुलिस हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल एक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। तो चलिए गाइज, हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एंड शेयर का नाम रहेगा सन टीवी, ट्रेंड डाउन लगातार चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अब अगर इंगल्फिंग अगर बुलिस हरामी बनेगी तो हम लोग स्पॉट करने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी बुलिस हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना। पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और गैप अप हुई और क्लोजिंग भी अपसाइड का दिखाया है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपने एंट्री कहाँ ली, इस कैंडल रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का। इन दोनों में हाई किसका ज़्यादा है, इसका हाई ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसी का होगा। अगली कोई भी कैंडल इसका हाई ब्रेक करे, जैसे ही हाई ब्रेक करेगी, जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है उसके हाई पे बाइंग करने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है हरामी पैटर्न के फॉर्मेशन में, उस कैंडल की हाई पे बाइंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बाइंग की बफर के साथ और बफर के साथ मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्टॉप लॉस हो गया, दोस्त स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बफर लगा के रखना चाहिए, है ना। अब हम लोग टारगेट रखते हैं, पहला टारगेट यहाँ पे, सेकेंड टारगेट यहाँ पे। अब देखिए शेयर चलता जा रहा है, पहला टारगेट अचीव हो गया हम लोगों का, सेकेंड टारगेट के लगभग गया है, देखते हैं अचीव होता है क्या। और अभी भी नहीं हुआ, अभी हो गया, हम लोगों के दोनों टारगेट बहुत आसानी से अचीव यहाँ पे भी हो गए। सो ये हो गए दो एग्जांपल्स ऑफ बुलिस हरामी पैटर्न। अभी मैं आपको बेरिश हरामी पैटर्न के दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन। ट्रेंड आपका अपसाइड जाता जाएगा, हम लोग उसके बाद स्पॉट करने वाले हैं। देखिए कैंडल्स बनती जा रही हैं, ट्रेंड अप जाता जाएगा, बनेगी तभी लेना है ना, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये रही हम लोग की ग्रीन कैंडल और ये रहा हम लोग का रेड कैंडल। अब रेड कैंडल अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन हुई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हुआ, रेड कैंडल का ओपनिंग नीचे हुआ, मतलब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। अब इन दोनों का लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे सेल किया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया और पहला टारगेट तो हम लोग का यहीं पे आसानी से अचीव हो गया। पहला टारगेट आप यहाँ पे स्विंग लो इस सपोर्ट के पास रखते, है ना। सेकेंड टारगेट मैं यहाँ रखता और सेकेंड टारगेट भी हम लोग का बहुत आसानी से अचीव हो गया और मार्केट और नीचे चलता गया। बट आपका क्या एम होना चाहिए, जब भी पहला टारगेट अचीव होगा मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे और ट्रेल करके चलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग की नेक्स्ट कैंडल आती है, फर्स्ट रहेगी हम लोगों की पियर्सिंग लाइन एंड सेकेंड हम लोगों की रहने वाली है डार्क क्लाउड। तो देखिए ये भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल्स मानी जाती हैं और पहले मैं आपको इसका मतलब बताना चाहूँगा। तो देखिए पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो एक स्ट्रांग, क्या बोलते हैं, एक इम्पैक्टफुल चीज़ को हम लोग पियर्सिंग बोलते हैं। और डार्क क्लाउड का मतलब वैसे कुछ अगर आप जाके डिक्शनरी में देखेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब जापानीज लोग क्या समझते हैं कि कोई बुरी चीज़। अब बुरी चीज़ का मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट डाउन जाने वाला है, जैसे मार्केट अपसाइड चढ़ता गया डाउन जाने वाला है, तो क्या है बायर्स के लिए ये बुरी चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड, अशुभ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको ट्रेड कैसे करना है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पियर्सिंग जो लाइन होगी वो आपके बनेगी डाउन ट्रेंड के बाद। कब बनेगी, डाउन ट्रेंड के बाद। आपका ट्रेंड ऐसे डाउन आता जाएगा, है ना, आपका ट्रेंड ऐसे डाउन आता जाएगा, ट्रेंड डाउन आता गया, पहली कैंडल बनेगी रेड कलर और सेकेंड बनेगी हम लोगों की ग्रीन कलर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा कि जो रेड होती है उसका ओपन कहाँ पे होता है, ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, ठीक है। ये आपका ओपन हो गया और ये आपका क्लोज हो गया। अब देखिए फ्रेंड, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओपन क्लोज हो गया, अगली कैंडल जो ग्रीन बनती है वो क्या होती है, इसके कंपेरिजन में गैप डाउन होती है, इसको गैप डाउन बोलेंगे। अब गैप डाउन का मतलब क्या होता है, सेलर्स एज कम्पेयर टू बायर्स हावी हैं, लेकिन गैप डाउन होने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे किया, क्लोजिंग ऊपर किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है इसके 50% के ऊपर करता है। अब 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब किसी भी चीज़ के 50% के ऊपर गया तो उसको एक इम्पैक्टफुल चीज़ मानी जाती है। अब अगर आप रिलायंस शेयर ट्रेड करते हैं तो आपको पता है रिलायंस का मालिक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। रिलायंस के मालिक है मुकेश अंबानी। बट क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि जो 100% रिलायंस का स्टेक है वो
मुकेश अंबानी के पास नहीं है, उनके पास कितना है, एबो 50% है। तो किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी एंटिटी का अगर किसी के पास स्टेक 50% से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी ओन एंटिटी है, मतलब वो उसकी कंपनी हो गई। तो इसीलिए बोलते हैं लोग कि रिलायंस जो है वो अंबानी जी की है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसके मालिक हैं रिलायंस के, है ना। अब देखिए मैंने आपको वहाँ क्या समझाया, बस मैंने आपको वहाँ ये समझाया है कि 50% का रूल आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी 50% के ऊपर क्लोज हो गया, मतलब क्या है कि एस कम्पेयर टू सेलर्स बायर्स भी अब आ चुके हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली दिखा सकता है। तो कब बनेगा ये बनेगा आपका डाउन ट्रेंड के बाद, पहला एक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है कि पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी कलर ग्रीन होगी और रेड वाली कैंडल का 50% के ऊपर ग्रीन वाली कैंडल क्रॉस कर देती है ना। कहाँ पे स्पॉट करेंगे आप, मतलब इसको बोलेंगे क्या, स्पॉट तो मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडल, इसको हम लोग बुलिश रिवर्सल कैंडल बोलते हैं और ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर आप इसको अपनी ट्रेडिंग किटी में ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अब डार्क क्लाउड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। डार्क क्लाउड का मतलब हो गया मार्केट लगातार अप ट्रेंड बना रहा था, है ना, अप ट्रेंड बना रहा था, उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट बनी रेड कैंडल। इसमें क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है और गैप अप का मतलब क्या होता है कि बायर्स एज कम्पेयर टू सेलर्स ज़्यादा हावी हैं। अब देखिए गैप अप हुआ बट क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, क्लोजिंग हो गई नीचे, तो रेड कैंडल बन गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके 50% के नीचे हुआ, मतलब अंबानी जी अगर 50% से ऊपर की स्टेक रखते हैं इसीलिए वो रिलायंस के ओनर है। अब यहाँ पे ओनर कौन हो गया, यहाँ पे इस कैंडल को इसने कवर कर दिया नीचे तो सेलर्स ओनर हो गए, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है ना। कुछ ये रिलायंस के शेयर जैसी बात नहीं है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब ट्रेड कैसे करना है डेफिनेटली मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। एक चीज़ और, यहाँ पे पहली कैंडल बनेगी आपकी ग्रीन, दूसरी बनेगी रेड, ये बिग होगी और ये भी ऑब्वियसली बिग होने वाली है, बट ये जो रेड कैंडल होगी वो 50% ऑफ ग्रीन कैंडल को कवर कर देगी, ठीक है, कवर कर देगी। ये क्या होता है, ये बनता है आपका अप ट्रेंड के बाद। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मोमेंटम कैंडल्स, इसको हम लोग बोलते हैं बेरिस मोमेंटम कैंडल्स। ये दोनों कैंडल्स एक पैटर्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया हम लोग का पियर्सिंग लाइन एंड सेकंड हो गया हम लोगों का डार्क क्लाउड। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ फिर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे 7 दिन लगे हैं, 7 दिन। सो एम क्या है मेरा, देखिए एम मेरा एक ही है कि आपको सही से क्लियर हो। अगर आपको क्लियर नहीं होता है ना, कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो क्या कीजिए, उसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा उसको रिवाइंड कीजिए। स्टिल अगर क्लियर नहीं होता है, बिकॉज 2 से 3 बार में वैसे क्लियर हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक कैंडलस्टिक पैटर्न और कवर कर लेते हैं। जितने एग्जांपल्स में मैंने 2 कैंडल्स यूज़ किए हैं उसको आप समझिएगा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1 किया, अभी हम लोग 2 कर रहे हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं है, बिकॉज ये ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम लीस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। जितना भी मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया हूँ सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए मैंने एग्जांपल ऐड करने से पहले पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड का मैंने सोचा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसका नाम कैसे पड़ा ट्विजर्स, ट्विजर्स का मतलब होता है सेम सेम, जुड़वा, मतलब दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिकल होंगे। जैसे कुछ लोगों के जुड़वा बच्चे होते हैं ना, समझ लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम्स। अब इसमें होता क्या है, तो ट्विजर टॉप होगा, मैंने एक ही जगह क्या बोलते हैं इसको ऐड कर दिया है बिकॉज ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स भी आप ढूंढेंगे ना तो मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको इसके एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है। ट्विजर बॉटम का मतलब क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, है ना, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड आता जाएगा फिर उसके बाद बनेगा। इसमें क्या होता है, पहली कैंडल होती है रेड कलर की और सेकंड होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल बोलते हैं।
ठीक, इसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इस कैंडल सिक्स पैटर्न को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में क्या रहा है कि जो इंपॉर्टेंट कैंडल सिक्स पैटर्न है मैंने उसको बोला है कि वो इंपॉर्टेंट कैंडल सिक्स पैटर्न है और उसमें पैसा बनता भी है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर भी मैं इम्फेसिस करके बता रहा हूँ कि भैया इसको छोड़ देना। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों कैंडल सिक्स पैटर्न में क्या हो, इन दोनों का हाई मार्क कर लीजिए, इन दोनों का लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करें, अब जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम लोग वहाँ पे बाइंग की ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस आपका होगा इन्हीं दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो ज़्यादा होगा, और अकॉर्डिंगली आप टारगेट रखने वाले हैं। ट्रिगर जो टॉप होता है वो कब बनेगा, वो बनेगा आपका टॉप पे, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये क्या होगा बताइए, बियरिश मोमेंटम कैंडल होती है, बियरिश मोमेंटम मतलब रिवर्सल कैंडल, है ना। अभी हम लोग रिवर्सल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, पहली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी, ठीक। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी आपकी रेड। अब इनमें से दोनों का जिसका हाई ज़्यादा होगा उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इन दोनों में से जिसका लो ज़्यादा हो उसके नीचे एक कैंडल क्लोज करें रेड कलर की, और उसका लो जैसे ब्रेक होगा हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो गया, टारगेट आप कम से कम 1:2 का रिस्टो रिवॉर्ड वाला लेके चलने वाले हैं, या फिर सपोर्ट रेसेंस का आप यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ट्विजर बॉटम, ये हो गया आपका ट्विजर टॉप, इसको हम लोग स्पॉट करेंगे डाउन ट्रेंड के बाद, इसको हम लोग स्पॉट करेंगे अप ट्रेंड के बाद। बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल, पहली रेड दूसरी ग्रीन, पहली ग्रीन दूसरी रेड, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी समझने का ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिकल कैंडल्स होती हैं, अब वो आपको ऐसे दिख रही हैं वो ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। आइडेंटिकल का मतलब मैंने बताया ना जुड़वा, वो ऐसी भी हो सकती हैं। देखिए दोनों एकदम, इनका जो हाई लो ओपन क्लोज होगा वो सेम दिखेगा, अब वो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हैमर है, ठीक है, हैमर भी बोलेंगे आप, और अगर दोनों बनती हैं तो आप इसको ट्विजर्स भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको हैमर भी दिखती है इसी शेप में, इसी शेप में आपको ट्विजर्स भी बनती हुई दिखती हैं, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप उसको हैमर में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग करो, ट्विजर्स को इग्नोर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड का एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बार रिप्ले का क्या बोलते हैं फीचर ऑन कर दिया है, अभी डाउन ट्रेंड हम लोग स्पॉट करेंगे, बिकॉज हम लोग पियर्सिंग लाइन देख रहे हैं, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद अपसाइड का मोमेंटम बनाएगा, फाइन। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, रेड कैंडल बनी, डाउन ट्रेंड आया, ग्रीन वाली कैंडल गैप डाउन हुई और इस रेड वाली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग की है। आपने क्या करना है, इन दोनों कैंडल्स का हाई लो मार्क कर लेना है, लो पे अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर एक कोई कैंडल हाई क्रॉस करे, है ना। इसने हाई क्रॉस कर दिया, इसके हाई पे अपन बाइंग क्या बोलते हैं पोजीशन बिल्ड करेंगे। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर कैंडल में जो भी हम लोगों ने कैंडल सिक्स पैटर्न कवर किए हैं, कहीं कहीं ट्रेड कहीं और लेना है, कहीं कहीं ट्रेड कुछ कैंडल्स के कन्फर्मेशन के बाद लेना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे क्या बोलते हैं उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बट हम लोग क्या है, हम लोग को पता है, क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब एक बार में कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, दो बार तीन बार देखेंगे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, हम लोग का पहला टारगेट रहेगा ये वाला रखेंगे, है ना, क्योंकि यही सपोर्ट निकल के आता है। हमेशा फ्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में ट्रेंड लाइन का, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स एंड एक्यूरेसी देखने को मिलता है। अब देखिए गाइस, हम लोग का पहला टारगेट अचीव हो गया, और लगभग अगर मैं चाहूँ तो सेकेंड टारगेट यहाँ पर रखूँगा, और दोनों टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ ऑफ पियर्सिंग लाइन। वोल्टास का शेयर है, एक बढ़िया डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखिए लगातार डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। अब उसके बाद आपको ध्यान से देखना होगा, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखिए जो भी कैंडल्स को स्पॉट करना सीख गया उसका ट्रेडिंग में काम हो गया, क्योंकि उसको असली जो मैंने आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर आपको किसी को मनाना है तो उसके दिल को जीतना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे दिल को जीत गए हो। मैं भी थोड़ा सा एग्जांपल जो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, रिलेट ना हो बट समझिए कि आप पिन पॉइंट जो एकदम क्या बोलते हैं इसका जो मेन पॉइंट है आप उसको पकड़ चुके हो। अब रेड कैंडल बनी, इसकी हाफ के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखा दी, इसी के लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, है ना। इन दोनों कैंडल्स में से जिसका लो ज़्यादा होगा, रेड वाली कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल को ही क्रॉस करे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्रॉस करता है क्या, क्रॉस कर दिया, अपन यहाँ बाइंग करेंगे, है ना। परफेक्ट जगह एंट्री लेनी है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ। अब मैं टारगेट यहाँ पे तो कहीं पीछे सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है, तो मैं बढ़िया टारगेट क्या रखूँगा, कम से कम 1:1.5, 1:2 का रखने वाला हूँ, और मोमेंटम के साथ ट्रेड करता जाऊँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेड करता जाऊँगा, है ना।
देखिए अब ट्रेंड चालू हुआ, मार्केट और ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो करेगा ही ना। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, आपका पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे आप टारगेट बुक करोगे, है ना। आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल रहा था, अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक गया तो एक बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला। उसके बाद में भी आपने स्टॉप लॉस ट्रेड किया हो छोटे क्वांटिटी के साथ, 100 अगर आप शेयर लेते हैं, 100 क्वांटिटी लेते हैं तो आपने 80 क्वांटिटी बुक कर ली, 20 क्वांटिटी बची, उसमें आपने नॉर्मल कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस भी ले लिया, तो भैया बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स में हैं। अभी चलिए फ्रेंड्स हम लोग डार्क क्लाउड का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए मार्केट लगातार अपसाइड गया, मार्केट अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने 50% से कवर कर दिया, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसका हाफ ये हुआ, इसके नीचे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे इस कैंडल के लो पे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ग्रीन वाली कैंडल के नीचे एक कैंडल कोई रेड कम से कम क्लोज करे, या फिर कम से कम लो तो हिट कर ही दे। यहाँ पे लो भी हिट कर दिया, क्लोज भी कर दिया, बहुत अच्छी कंडीशन है। उसके बाद हाई पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और अकॉर्डिंगली हम लोग का टारगेट अचीव होने वाला है। ठीक है, पहला टारगेट मैं यहाँ रखूँगा, सेकंड टारगेट यहाँ हो गया, बहुत सारे टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो गए, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। सो कभी कभी आपको 80% क्वांटिटी बुक करनी है, 20% में स्टॉप लॉस हो जाए, और कभी कभी आपको बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। और ये देखिए कितना अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिला है। सो देखिए फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, बट मेन एम मेरा क्या रहता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी या फिर छोटी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्लियर हो, बिकॉज वीडियो और जो चैनल मैं बनाया हूँ ये केवल आप लोगों के लिए है, है ना। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि कैंडल सिक्स को छोड़ के इंडिकेटर्स या फिर क्या बोलते हैं डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आपके घर में सन से लाइट आएगी, सूरज से लाइट आएगी, तो आप बल्ब क्यों जलाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि लोग अगर चाहेंगे कि उनकी वीडियोस चले तो आपको ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर बताएंगे, और कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कैंडल सिक्स पैटर्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल सिक्स पैटर्न क्या हो गया हम लोग का सन, और इंडिकेटर हो गया हम लोग का बल्ब। तो आप बल्ब क्यों जलाएंगे जब आपके घर पे क्या बोलते हैं सन से लाइट आएगी। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, मैं आपको बताऊं मुझे इस वीडियो को शूट करने में 3 दिन लगे हैं, 3 दिन, है ना, बिकॉज प्रिपेयर करना पड़ता है ऐसे कौन से वर्ड ऐसे कौन से टेक्निक यूज़ की जाए जिससे कि आपको सही से क्लियर हो सके, है ना। सो आपने कुछ काम करने है, पहला काम क्या करना है वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि 3 ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो से सीखने को मिला है। आप 4-5 भी कर सकते हैं बट मिनिमम 3। और अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या फिर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी चीज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, शेयरिंग इज़ केयरिंग, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना मैं आपको दूंगा मुझे पता है कि उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला है, तो जितना आप दूसरे को शेयर करेंगे आपको भी उससे ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब आप भी ट्रेडिंग से पैसा बनाने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर आप चैनल बनाए हैं तो मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप वाइज धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में। सो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।